ओके जी, अब तक हमने HTML, CSS, Bootstrap, CSS के साथ हमने SCSS भी कर लिया और JavaScript और एडवांस JavaScript हमने कर ली। तो एडवांस JavaScript जो ECMAScript 6 जो है उसको तो हम दोबारा रिवीजन करेंगे React में ही। तो अब तक हम इतना कवर कर चुके हैं, तो आज से अब हमारा इंशाल्लाह React ऐसे ही है। ओके जी, रिएक्ट पे आ गए और रिएक्ट पे आके सबसे पहले हम एक सिंपल प्रैक्टिस और प्रैक्टिस के अंदर हमने एक प्रोजेक्ट फोल्डर क्रिएट करना है। तो अब तक हम क्या करते थे, सिंपल खुद से एक फोल्डर क्रिएट करते थे और उसमें इंडेक्स डॉट एचटीएमएल की फाइल और उसके बाद सीएसएस का फोल्डर बना दिया, जेएस का फोल्डर बना दिया, डिफरेंट इमेजेस वगैरह ऐड कर दी, ये सारी चीज़ें। तो रिएक्ट में हम ऐसे नहीं करते हैं, रिएक्ट का तरीका और है। अच्छा, आप में से रिएक्ट तला भाई आपको नहीं, थोड़ी सी भी नहीं की? फरुख साहब को है, आपको रिएक्ट आप में से तीन चार मेरे ख्याल पीछे है ना। ओके जी, रिएक्ट के लिए यहाँ पर W3 स्कूल्स ट्यूटोरियल्स लर्न रिएक्ट। ओके जी, रिएक्ट है क्या एक्चुअल में? रिएक्ट की अपनी वेबसाइट है reactjs.org। इस टाइम जो इसका वर्जन चल रहा है वो है 18.1.0। जी क्लियर नज़र आ रहा है आपको सदे? 18.1.0 इसका वर्जन है। तो बेसिकली रिएक्ट है क्या? अ जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी फॉर बिल्डिंग यूज़र इंटरफेसेस। यूज़र इंटरफेस क्या होता है? जो यूज़र को नज़र आ रहा हो, ठीक हो गया जी। तो यूज़र इंटरफेसेस जो बनाए जाते हैं वो रिएक्ट पे बनाए जाते हैं। अब तक हम जितनी भी वेबसाइट्स बना चुके हैं, हम एक पेज से दूसरे पेज पर जैसे ही नेविगेट करते थे, लेट सपोज आपने डॉक्स पे क्लिक किया था तो आपका पेज रिफ्रेश होता था, दोबारा सर्वर से आता था और आपको नज़र आता था। तो इसमें देखें इसमें क्या हो रहा है, हम जैसे ही रिएक्ट पे क्लिक कर रहे हैं, मीन्स कि आप होम पेज पे अब जाएंगे, लोगो पे क्लिक करने से इंडेक्स डॉट एचटीएमएल पे हम जाते थे होम पेज पे, अब जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो ये देखें विद इन मिली सेकेंड्स इसने आपको उसका पेज दिखा दिया, उसका व्यू दिखा दिया। तो इस तरह की वेबसाइट जो हैं बहुत ही ज़्यादा कहें सुपर फास्ट वेबसाइट जो हैं वो रिएक्ट की मदद से बनाई जाती हैं। आप एक पेज से किसी भी दूसरे पेज पर चले जाएं, आपको साथ साथ ही वो वाला पेज शो हो जाएगा, ना कि बार बार आपका पेज रिफ्रेश हो। आपकी फेसबुक की जितनी वेबसाइट्स हैं वो सारी रिएक्ट पे बनी हैं, क्योंकि रिएक्ट जो है वो फेसबुक की ही लाइब्रेरी है। फेसबुक वालों ने ही रिएक्ट को बनाया है। सबसे पहले उन्होंने फेसबुक खुद से अपनी वेबसाइट रिएक्ट पे कन्वर्ट की और उसके बाद इसको इन्होंने पब्लिक के लिए अवेलेबल कर दिया। सेम इसी तरह बूटस्ट्रैप जो है हमारी, ट्विटर के जो डेवलपर जो डिज़ाइनर्स थे उन्होंने बूटस्ट्रैप बनाई थी अपनी ट्विटर वेबसाइट के लिए। तो ट्विटर पे उन्होंने अप्लाई किया, सारी चीज़ें ठीक हुई, उसके बाद उन्होंने पब्लिक के लिए अवेलेबल कर दिया। तो बेसिकली बूटस्ट्रैप जो है ट्विटर वालों की है और रिएक्ट जो है ये फेसबुक वालों की है। और फेसबुक की मोबाइल एप्लीकेशन जितनी भी हैं वो सारी की सारी रिएक्ट नेटिव पे बनाई गई हैं। तो रिएक्ट सीख लेते हैं। रिएक्ट से क्या होता है, आप वेब ऐप बना लेते हैं। अब आप लोगों ने क्या कहना है, जो भी आप लोग वेबसाइट्स बना रहे होंगे रिएक्ट की मदद से उसे वेब एप्लीकेशन कहा जाता है, वेब एप्लीकेशन। और मोबाइल एप्लीकेशन के लिए रिएक्ट नेटिव है, ये भी फेसबुक वालों के ही है। तो रिएक्ट नेटिव की मदद से मोबाइल एप्लीकेशन बनाई जाती हैं और रिएक्ट की मदद से वेब एप्लीकेशंस बनाई जाती हैं। जितना क्लियर है? यस सर। आपको कैसे क्लियर है? नहीं, पहले इसको पहले सिंपल वो किसी और टेक्नोलॉजी पे थी, जावा कह लें, PHP कह लें या वर्डप्रेस कह लें, इतना डीप मुझे भी नहीं पता उसकी हिस्ट्री का। लेकिन क्योंकि फेसबुक जो है वो 2004 में 2009 में फर्स्ट टाइम लॉन्च की गई थी फेसबुक। रिलीज डेट 2004 में पहली बार फेसबुक की वेबसाइट लॉन्च हुई थी। तो रिएक्ट बेसिकली खुद जो है ये 2011 में आई है शायद, ठीक। तो 2011 में ही इन्होंने शायद अप्लाई किया था और इसका फर्स्ट जो न्यूज़ फीड जो था पुराने वाला
वो रिएक्ट पे बनाया गया था। आप अपनी सिंपल HTML से बनाई गई वेबसाइट्स को भी रिएक्ट पे कन्वर्ट कर सकते हैं उसमें रिएक्ट का कोड इम्प्लीमेंट करके, लेकिन स्क्रैच से बनाए तो वो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि वो पार्शियली होगा बस रिएक्ट पे कन्वर्टेड, और ये होगा कि ये कंप्लीट स्क्रैच से सीधी रिएक्ट पे शुरू से ही स्क्रैच, मतलब बिल्कुल फर्स्ट लाइन कोड से स्क्रैच। सर PHP या जावा या और दूसरी लैंग्वेज पे बनाते हैं एक साइट, एक पे बनाते हैं, तो बूस्ट अप कौन सी करेगी या उसको इसके रिएक्ट, क्योंकि रिएक्ट जो है ये जावा स्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है और जावा स्क्रिप्ट इस टाइम दुनिया की नंबर वन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। स्पीड ऑप्टिमाइजेशन का भी बड़ा रोल है इसी में, बहुत ज़्यादा आगे ऑप्टिमाइजेशन होती है आगे सारी चीज़ें। अब इसकी सीधी सी एग्जांपल, अगर आप लोगों ने OLX देखा हो, OLX इसके इमेजेस में आए तो पहले ये लोगो था OLX का, तो उस टाइम ये किसी और टेक्नोलॉजी पे बनी हुई थी। जब से ये इस थीम पर मूव हो चुका है तो ये रिएक्ट पे कन्वर्ट हो चुकी है। आपकी दराज वेबसाइट जो है वो पहले किसी और टेक्नोलॉजी पे बनी हुई थी, अब वो भी रिएक्ट पे है। हमारे पास खुद इतने इस तरह के क्लाइंट्स आते हैं जो कहते हैं कि उनकी बनी बनाई पूरी वेबसाइट है सारी एज इट इज़, सारा काम कर रही है या वर्डप्रेस पे है या PHP पे या किसी और टेक्नोलॉजी पे बनी हुई है, वो कहते हैं कि हमें रिएक्ट में कन्वर्ट करके दे दो। दोनों में देने में कोई फर्क आता है क्या? जी रिएक्ट में और कोई किसी और देखने में नहीं फर्क आएगा, कन्वर्ट करना पीछे का मुश्किल है, बनाना मुश्किल है पीछे टेक्नोलॉजी कन्वर्ट करना से। कन्वर्ट करने से मुराद यही है कि उसको रिएक्ट एप्लीकेशन को स्क्रैच से बनाया जाए, यानी कि PHP का कोड आप उसको रिएक्ट पे कन्वर्ट कर रहे हैं। आपकी वेबसाइट एक बनी बनाई, फॉर एग्जांपल OLX बनी बनाई है, सबको पता लग रहा है कि OLX में क्या क्या फंक्शनैलिटीज हैं, ये क्लाइंट आपको या ओनर आपको खुद बताएगा इसमें मुझे ये चीज़ें चाहिए। अब वो जो आपने चीज़ बनानी है वो रिएक्ट पे बनानी है, तो रिएक्ट का आप एक न्यू प्रोजेक्ट ही क्रिएट करेंगे, ये इसका मतलब है। कर सकते हैं, अब हुई भी होती है। अच्छा वर्डप्रेस कभी यूज़ ही नहीं किया हमने। ओके जी, रिएक्ट ट्यूटोरियल। रिएक्ट इज़ अ जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी फॉर बिल्डिंग यूजर इंटरफेसेस। रिएक्ट इज़ यूज्ड टू बिल्ड सिंगल पेज एप्लीकेशंस। सिंगल पेज एप्लीकेशंस कहा जाता है जो एक बार ही आपके ब्राउजर में लोड हो जाए और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ व्यू चेंज किए जाए। तो इससे क्या होता है, इसे सिंगल पेज एप्लीकेशन कहा जाता है, या फिर अक्सर सिंगल पेज वेबसाइट जो कही जाती हैं वो इस तरह की होती है। आप अबाउट पे जाएं, आप सर्विसेज पे जाएं, कॉन्टैक्ट पे जाएं, ये एक सिंगल पेज है, ठीक है। हम लिंक पे क्लिक तो कर रहे हैं लेकिन ये किसी और पेज पर हमें नेविगेट नहीं कर रहा है, तो ये सिंगल पेज कहलाती है। उसी तरह रिएक्ट भी जो है वो इस तरह की ही वेबसाइट बनती है, उसकी भी एक ही फाइल होती है, सिर्फ एक फाइल होगी index.html की। लेकिन होता क्या, यहाँ पर जब भी हम यहाँ से यहाँ पर जा रहे हैं, इस पेज पे जा रहे हैं, यहाँ पे आपका देखें URL भी चेंज हो रहा है। अभी support.html ब्लॉग में आते हैं तो ये चीज़ आ गई, ट्यूटोरियल में tutorial.html, रिएक्ट पे आई तो ये आपका डायरेक्ट रूट आ गया, तो इसका व्यू चेंज हो रहा है। एक्चुअल में ये पेज नहीं चेंज होता है, पेज सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एक ही आता है index.html, ये पेज नहीं चेंज हो रहा, ये व्यू चेंज होता है, तो इस वजह से भी इसको सिंगल पेज एप्लीकेशन कहा जाता है कि ये एक बार ही लोड हो जाती है, आपके ब्राउज़र में लोड हो गई है, उसके बाद आप किसी भी पेज पर जाएं तो सिर्फ और सिर्फ व्यू चेंज होता है। रिएक्ट अलाउज अस टू क्रिएट रीयूजेबल UI कंपोनेंट्स। UI स्टैंड्स फॉर यूज़र इंटरफेस कंपोनेंट्स। अच्छा जी, अब कंपोनेंट्स किसको कहा जाता है और रीयूजेबल। लेट सपोज आपका ये टॉप बार है हेडर में और ये आपका नैव बार है। अब हमने कोई 100 पेजेस बनाने हैं वेबसाइट के, हमारी वेबसाइट के 100 पेजेस हैं, तो 100 पेजेस में ही आपने हेडर यूज़ किया होगा। हर index.html है, about.html है, contact.html, इस तरह की 100 पेजेस हैं, आपने 100 पेजेस में ही हेडर भी यूज़ किया होगा। आपने हेडर में जाके कुछ भी चेंजेस करनी है वो आप 100 की 100 फाइल में करेंगे, फिर ही इस तरह चेंज होगा ना। रिएक्ट में क्या होता है, आप सिर्फ और सिर्फ एक बार ही एक फाइल में नैव बार या हेडर का कोड रख देते हैं। इस कोड को ही, उसी फाइल को आप हर जगह यूज़ कर रहे होते हैं, 100 कह लें, 200 कह लें, ये सारी चीज़ें हो गई। अब आपने कभी भी नैव बार या हेडर को चेंज करना है तो सिंपल आप एक फाइल में ही जाके चेंज करेंगे और वो 100 पेज हैं या 1000 पेज हैं, वो हर जगह जाके चेंज हो जाएगा। सलाम जैसे CSS का वो कलर वगैरह जिस CSS का कलर वगैरह कह लें,
सेस का, वो एक बार वो तो वेरिएबल बन जाता है ना, ये एक अलग चीज़ है कंपोनेंट्स। तो इसे कंपोनेंट कहा जाता है। फिर आपने एक बार बटन बनाया, लेट्स सपोज एक ये बटन है, आप सिंगल एक बटन को भी एक फाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं, और उस फाइल को और उस बटन को आप कभी भी कहीं पे भी किसी भी फाइल में यूज़ कर सकते होंगे। एक जगह उसकी स्टाइलिंग करें, सारी चीज़ें उसमें कर दें, लेट सपोज इस बटन पे क्लिक करने से वो गेटिंग स्टार्टेड डॉट एचटीएमएल पे लेके जा रहा है। आपने एक ये बटन बना दिया, आपको डिफरेंट जगह पे चाहिए, फॉर एग्जांपल वही बटन आपको यहाँ पर भी चाहिए, वही बटन अब जिस तरह यहाँ पे देखें ये चीज़ वही आ गई है, तो ये कंपोनेंट बना होगा, ये कंपोनेंट बना हुआ है, इस पर भी क्लिक करने से आपको ये वहीं पर लेके जा रहा है। अब अगर आपने चेंजेस करनी है इस बटन की या स्टाइलिंग चेंज करनी है, तो आप एक फाइल में ही करेंगे और वो जहाँ जहाँ ये बटन यूज़ हो रहा होगा वो हर जगह चेंज हो जाएगा। तो ये रीयूजेबल कंपोनेंट्स कहलाते हैं। अब फुटर में भी सेम वो फिर वो भी कर सकते हैं, वो तो कर सकते हैं, वो फिर ये भी एक तरीका है कि आप उसको कंपोनेंट में कन्वर्ट ना करें, या फिर आप दो कंपोनेंट बना लें, आप पे डिपेंड करता है। सेम उसी तरह फुटर भी, सर हमने हेडर ले लिया, उसी तरह फुटर को भी ले लें, और फुटर भी एक बार ही लिया जाता है और उसको यूज़ कर लिया जाता है हर जगह। ओके जी, रिएक्ट का कोड कुछ इस तरह का होता है, बाकी हम कोड पे मज़ीद आते हैं। क्रिएट रिएक्ट ऐप टू लर्न एंड टेस्ट रिएक्ट, यू शुड सेटअप अ रिएक्ट इन्वायरमेंट ऑन योर कंप्यूटर। कि अगर हमने रिएक्ट को यूज़ करना है तो हमें अपने कंप्यूटर में उसका इन्वायरमेंट सेट करना पड़ता है रिएक्ट का। दिस ट्यूटोरियल यूजेज द क्रिएट रिएक्ट ऐप। द क्रिएट रिएक्ट ऐप टूल इज एन ऑफिशियली सपोर्टेड वे टू क्रिएट रिएक्ट एप्लीकेशंस। नोड जेएस इज रिक्वायर्ड टू यूज क्रिएट रिएक्ट ऐप। तो नोड जेएस तो आप लोगों के सिस्टम में इंस्टॉल्ड होगा, ऐसे ही है, अब तक सर्च जो करते आए हैं तो उसके लिए हमने नोड जेएस को इंस्टॉल किया था। जी सुहेब भाई, आपके सिस्टम इंस्टॉल्ड है नोड जेएस। ओपन योर टर्मिनल इन द डायरेक्टरी यू वुड लाइक टू क्रिएट योर एप्लीकेशन। रन दिस कमांड टू क्रिएट अ रिएक्ट एप्लीकेशन नेम्ड माई रिएक्ट ऐप। तो आप लोगों ने कोड लिखना होता है सी एम डी में जाके, एन पी एक्स स्पेस क्रिएट रिएक्ट ऐप स्पेस। अब ये आपके प्रोजेक्ट का नेम होगा, यहाँ पर थर्ड जो आपने वैल्यू पास करनी है वो आपके प्रोजेक्ट का नाम होगा। प्रोजेक्ट नेम में कभी भी स्पेसिंग नहीं आएगी तो वो आपको एरर दे देगा, स्पेसिंग नहीं आएगी। या तो इसको आप कैमल केस में लिख लें, या फिर आप इसमें हाइफन या फिर डैशेज जो कहा जाता है वो यूज़ कर लें। जी अब कैमल केस भी नहीं लेता, तो बेहतर यही है कि फिर आप इसको या तो विदाउट डैशेज लिख लें या फिर सिंपल डैशेज में यूज़ कर लें। क्रिएट रिएक्ट ऐप विल सेटअप एवरी थिंग यू नीड टू रन अ रिएक्ट एप्लीकेशन। ओके जी, क्रिएट रिएक्ट ऐप ग्लोबली आप लोगों ने इंस्टॉल नहीं किया होगा, अगर तो इंस्टॉल किसी ने किया हुआ है तो सिंपल उसको अनइंस्टॉल कर लिया जाए क्रिएट रिएक्ट ऐप को, क्योंकि अब वही चीज़ आप एन पी एक्स की मदद से कर सकते हैं। सर हम लोग एक npm भी यूज़ करते हैं ना, एक npx यूज़ करते हैं। जी npm दोनों में क्या फर्क? जी अब ये देखें, इसमें भी यही लिखा हुआ है ना, अगर आपने पहले से इंस्टॉल किया हुआ है क्रिएट रिएक्ट ऐप ग्लोबली, जिस तरह हमने सर्च को इंस्टॉल किया था npm -i-g सर्च, तो वो हमने npm के ज़रिए इंस्टॉल किया था। अब उस टाइम उसका जो भी वर्जन इंस्टॉल हुआ था, फॉर एग्जांपल अगर हम cmd में देखना चाहें सर्च डैश वी, तो वी 0.23.0 इंस्टॉल हुआ है। अब मैं दोबारा अगर npm की मदद से इंस्टॉल करता हूँ तो होगा क्या, इस टाइम जो उन्होंने अपडेट्स की होगी तो वो वाला इंस्टॉल होगा। वालेकुम सलाम। तो या फिर सबसे पहले मुझे दोबारा से npm -i-g सर्च दोबारा करना पड़ेगा लेटेस्ट के लिए। तो npx क्या करता है, इसने डायरेक्ट आपके सर्वर से ही डाटा को लेकर आ जाना है और लेटेस्ट वर्जन का लेकर आएगा। तो इसके लिए आपको बार बार इंस्टॉल, फॉर एग्जांपल क्रिएट रिएक्ट ऐप ना खुद एक लाइब्रेरी है, ये लाइब्रेरी है, इस लाइब्रेरी की मदद से रिएक्ट का एनवायरनमेंट सेटअप किया जाता है। ये क्रिएट रिएक्ट ऐप खुद एक लाइब्रेरी है, तो अगर तो आपने इसको एक बार ही इंस्टॉल कर लिया क्रिएट रिएक्ट ऐप को, आपके सिस्टम में वही वाला वर्जन इंस्टॉल हो गया। अब इसकी मदद से आपने जब भी रिएक्ट का प्रोजेक्ट क्रिएट करना है तो आपको पुराना कोड ही मिलेगा, इवन कि आप साल बाद भी करें। npx की मदद से क्या होगा, सबसे पहले वो क्रिएट रिएक्ट ऐप का लेटेस्ट वर्जन करेगा और उसकी मदद से फिर दोबारा से लेटेस्ट कोड जो रिएक्ट का एनवायरनमेंट सेटअप होगा वो लेटेस्ट वाला होगा। ये चीज़ है npx की मदद से। बैठन
ठंड ज़्यादा है? हाँ से ज़्यादा ठंड ज़्यादा है। ओके जी, रिएक्ट ऐप जब आप चलाते हैं तो आपको व्यू जो है कुछ इस तरह का नज़र आता है। रिएक्ट ऐप का लोगो, इसमें सोर्स में app.js की एक फाइल होती है, उसको चेंजेस करें तो आपका काम आने लग जाता है। बट यू शुड ऑलरेडी नो बिफोर स्टार्टिंग विद रिएक्ट js, यू शुड हैव इंटरमीडिएट एक्सपीरियंस इन html, css और javascript। यू शुड ऑल्सो हैव सम एक्सपीरियंस विद द न्यू javascript फीचर्स इंट्रोड्यूस्ड इन ECMAScript 6। You will learn about them in the React ES6 chapter. ES6 में क्या है? Arrow functions हैं, map method, filter method, find method, ternary operators, template literals, ये सारी चीज़ें आपकी ES6 में आ जाती हैं। तो ये सब हमने already भी की हुई हैं, इसमें दोबारा से हम revision कर लेंगे साथ साथ। तो HTML से JavaScript आती है सबको? पक्की बात है? ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स कौन से होते हैं बताएं? नहीं नहीं, डिव पैराग्राफ तो ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। इसकी डेफिनेशन क्या है? जिसकी विथ वो 100% ले, स्क्रीन की फुल विथ ले, और इनलाइन एलिमेंट होते हैं उसमें जितना उसका कंटेंट चाहिए। ऑल राइट जी, नेक्स्ट करते हैं इंट्रो। व्हाट इज रिएक्ट? रिएक्ट समटाइम्स रेफर्ड एज अ फ्रंट एंड जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क इज अ जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी क्रिएटेड बाय फेसबुक। रिएक्ट इज अ टूल फॉर बिल्डिंग यूआई कंपोनेंट्स। हाउ डज रिएक्ट वर्क? वर्चुअल डोम इन मेमोरी। रिएक्ट ओनली चेंजेस व्हाट नीड्स टू बी चेंज्ड। हम सिंपल HTML की जो वेबसाइट हमारी होती है HTML से जावास्क्रिप्ट में, हमने अगर एक करेक्टर भी चेंज करना हो, हम जैसे उसको सेव करते हैं दोबारा से पेज रिफ्रेश होता है सारा का सारा। रिएक्ट में क्या होता है, आपने जिस पोर्शन या जिस कंपोनेंट में चेंजेस किए हैं सिर्फ और सिर्फ वो चेंज होता है, और बाकी आपकी कंप्लीट एप्लीकेशन वैसे ही रहती है, इवन के रिफ्रेश भी नहीं होता। फिर कंसोल डॉट लॉग में भी जो जो चीज़ें आपने देखी होती हैं वो सारी की सारी वैसे ही रहती हैं, क्योंकि पेज रिफ्रेश नहीं हुआ, कंसोल डॉट लॉग भी वैसे ही रहेगा। रिएक्ट जेएस की हिस्ट्री, करंट वर्जन जो है इसमें जो ये आपको 18.0.0 बता रहा है, लेकिन इस टाइम जो है इसका 18.1.0। इनिशियली रिलीज टू द पब्लिक 2013 में इनिशियली रिलीज हुआ है ये। रिएक्ट जेएस वाज फर्स्ट यूज्ड इन 2011 फॉर फेसबुक्स न्यूज फीड फीचर। करंट वर्जन ऑफ क्रिएट रिएक्ट ऐप, ये भी इसका पुराना ही बता रहे होंगे क्योंकि अब जून आ चुका है। Create React App includes build tools such as Webpack, Babel and ESLint. अच्छा जी, Webpack क्या होता है, Babel क्या होता है, किसी को बताऊं? जी सर बताएं। Webpack अभी क्यों फायदे होती है? फायदे होने तो ठीक है कि फेम ना देता। जी। Webpack है, दूसरा हमने क्या बोला? Babel। Babel वो हमारे जो ब्राउज़र से जावास्क्रिप्ट उसको हमारी रिएक्ट की एप्लीकेशन जो है वो बनती है जावास्क्रिप्ट पे। हमने अब जो कोड भी करना है वो जेएस की फाइल में ही करना है। इवन के आप अपनी HTML का कोड, अपने CSS का कोड भी, जिस तरह इनलाइन स्टाइलिंग होती है, इंटरनल स्टाइलिंग होती है, वो भी आप JS की फाइल में ही करेंगे। मींस के आप कोई कंपोनेंट भी बना रहे हैं, HTML का कोड भी लिख रहे हैं, वो भी JS की फाइल में रखेंगे। तो इस तरह बहुत सारी फाइल्स बन जाती हैं, उन सारी फाइल्स को मर्ज किया जाता है, एक फाइल में कन्वर्ट किया जाता है। तो वो एक फाइल में कन्वर्ट जो करता है वो वेब पैक करता है। ठीक हो गया जी, तो ये वेब पैक है। इट इज लाइक HTML, CSS, इसमें HTML की एक ही फाइल होती है, हम HTML की फाइल क्रिएट करते ही नहीं हैं। ठीक हो गया, एक फाइल क्रिएट की जाती है अगर आप खुद से इन्वायरमेंट सेटअप करें। अगर आप क्रिएट रिएक्ट ऐप की मदद से करें तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको बनी बनाई मिल जाएंगी। ठीक हो गया, तो उसमें सिर्फ एक फाइल होती है index.html की, हम उस पर अभी आएंगे। तो JS की जितनी फाइल्स होती हैं,
जेएस की जितनी भी फाइल्स होती हैं वो सारी के सारों को एक फाइल में वो कन्वर्ट कर देता है, तो ये वेब पैक करता है। उसके बाद बेबल, बेबल इज़ अ फ्री एंड ओपन सोर्स जावास्क्रिप्ट ट्रांसकंपाइलर डेट इज़ मेनली यूज टू कन्वर्ट एक्मा स्क्रिप्ट 2015 प्लस, मीन्स के ES6 और ES6 से प्लस जितना भी कोड है वो क्या करता है, उसको कन्वर्ट करता है बैकवर्ड्स कंपेटिबल वर्जन ऑफ जावास्क्रिप्ट, मीन्स के पुराना जितना भी कोड है सिंपल जावास्क्रिप्ट कह लें या पुराना जो इनिशियली रिलीज हुआ था उसमें वो कन्वर्ट करता है, क्योंकि बहुत सारे ब्राउज़र हैं जो ECMAScript 6 को भी नहीं समझते हैं, तो वो ECMAScript 6 का कोड को उसमें कन्वर्ट कर देता है। ये बेबल काम करता है। उसके बाद ESLint क्या करता है, ESLint इज़ अ स्टैटिक कोड एनालिसिस टूल फॉर आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लमैटिक पैटर्न्स फाउंड इन जावास्क्रिप्ट कोड, कि आपके जावास्क्रिप्ट फाइल में कुछ आप कोड कर रहे हैं और कोई इशू आ रहा हो, इशू के बगैर वो काम तो कर जाएगा, कुछ इस तरह का भी कोड होता है। फॉर एग्जांपल इमेज में आप सोर्स तो देते हैं लेकिन ऑल्ट एट्रीब्यूट नहीं देते हैं, हमारी इमेज तो नज़र आती है लेकिन इसमें क्या है रिएक्ट में आप उसको भी लिखते हैं लाजमी, तो फिर ये काम करेगा, नहीं तो ये आपको एक वार्निंग दे रहा होगा। उसके अलावा कोई भी कोड में इशू वगैरह है, फॉर एग्जांपल आप कोमा नहीं लगाते हैं या इस तरह की चीज़ें कर जाते हैं, तो ये ESLint क्या करता है उसको साथ साथ आपको एनालाइज करके बताता है कि यहाँ पर एरर आ रहा है, तो ये ESLint का काम होता है। ओके जी, उसके बाद नेक्स्ट गेट स्टार्टेड टू गेट एन ओवरव्यू। जी सिंपल HTML में यूज़ करना चाहते हैं तो कुछ लाइब्रेरीज हैं JavaScript, इसमें बेबल आ गया, React DOM, React, ये सारी यूज़ करें और आप अपनी सिंपल HTML फाइल को भी React में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके जी, अब क्रिएट React App की मदद से हम अपना एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, ये उसका कोड होगा, कुछ भी चेंजेस करेंगे आपको ये फिर नज़र आ जाएगा। index.js चले जी, गेट स्टार्टेड ES6 ये हम बाद में देखेंगे अब। ओके जी, प्रैक्टिस जी। शहजादे तलहा भाई अपना मोबाइल देते हैं यार, ये इनका मोबाइल ना इधर, ये साइलेंट पे लग गया, उससे भी साइलेंट पे लगा दें, हाँ इसे भी साइलेंट पे लगा के साइड पे करते हैं। ऑलराइट जी, हमारे रिएक्ट में आके प्रैक्टिस। अच्छा वन मोर थिंग, अच्छा जी, अब लोकल डिस्क डी टीचिंग फोल्डर में मैं आ गया, यहाँ पर सीरत वेब एंड मोबाइल ऐप डेव, अब इसमें एंड लिखा हुआ है, अगर आप एंड को इस तरह लिखते हैं स्पेशल करेक्टर की मदद से, आपका इस तरह ये काम तो करेगा, फोल्डर तो क्रिएट हो गया, सारी चीज़ों इसके अंदर प्रोजेक्ट फोल्डर भी क्रिएट हो जाएगा, लेकिन जब आप उसको रन करेंगे अपनी रिएक्ट एप्लीकेशन को तो वो सिर्फ और सिर्फ इस करेक्टर की वजह से एरर दे देगा, तो इस वजह से आप इसको सिंपल इसमें ही रखें। ठीक हो गया जी, तो ये खुद मेरे सामने इशू आया था, पहले कभी देखा भी नहीं था, तो स्पेशल करेक्टर का इशू बन गया था एक बार, तो मे बी अब उन्होंने रिजॉल्व भी कर दिया, लेकिन ट्राई कर लीजिएगा, क्या पता है राजे। ओके जी, प्रैक्टिस में आए, अब यहाँ पर CMD हमने ओपन करना है, जहाँ पर आपने प्रोजेक्ट फोल्डर क्रिएट करना है वहाँ पर आप CMD ओपन करें, उस CMD में आप लोगों ने लिखना है npx create react app, आगे ऐप का नेम माय ऐप कह दें। ओके जी, दो मिनट हैं, प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाए क्योंकि अब ये जितनी भी फाइल्स हैं ना इसमें ये ऑटोमेटिक सारी चीज़ें हो जाएंगी, वो पहले करवा दिया ये नहीं बंद होगा, वो बंद हो जाएगा। अच्छा जी, अब ये इंस्टॉलिंग पैकेजेस, ये इंस्टॉल कर रहा है रिएक्ट को, रिएक्ट डोम को एंड रिएक्ट स्क्रिप्ट्स को विद CRA टेम्पलेट। CRA टेम्पलेट का मतलब है क्रिएट रिएक्ट ऐप, CRA स्टैंड्स फॉर क्रिएट रिएक्ट ऐप टेम्पलेट। अब ये जितनी भी चीज़ें हैं ना ये नेट से डाउनलोड कर रहे हैं, अगर तो नेट नहीं होगा आपके पास तो ये फाइल्स आप प्रोजेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते होंगे।
जी अब तक कोई सवाल हो किसी का? एनीवन? रिएक्ट में हम ऐसे फोल्डर बनाएंगे जी, ये प्रोजेक्ट फोल्डर इस तरह क्रिएट होगा, अदरवाइज ये खुद से जितनी सारी चीज़ें कर रहे हैं आपको मैन्युअली खुद करनी पड़ेंगी। तो मैन्युअली खुद करेंगे तो अक्सर तो इश्यूज भी आ जाते हैं और आप लोगों के 2 से 3 घंटे भी लग जाते हैं, क्योंकि इसका भी मैं आपको कोड दिखाता हूँ, उसमें तो प्रोग्रामिंग का आपको वैसे ही पता है, कोमा की जगह डॉट भी लगा दें तो एरर है। तो इसमें काफ़ी सारी फाइल्स खुद से क्रिएट करनी पड़ती हैं, तो ये CRA टेम्पलेट की मदद से वो सारी चीज़ें हमें बनी बनाई मिल जाती हैं। जी और किसी को किस सवाल हो? जी शाहजेब भाई, क्लियर है अब तक इतना? जी शाहजादे, अभी जब हमने देखा था कि रिएक्ट सीखने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है या क्या चीज़ें आनी चाहिए पहले से, वो थे उस टाइम आप अभी वो HTML CSS थे वो? जी जी सर, CSS के तो 2-3 क्लास रह गई मेरी, जावास्क्रिप्ट के बाद। अच्छा जावास्क्रिप्ट नहीं आपको आती तो रिएक्ट कैसे करेंगे फिर? किसी से लेक्चर नहीं हो। सर नेट ऑन कीजिएगा। अच्छा वो नेट से चलता है? चले जी, चार्जर ऑफिस में तो पड़ा ही होगा, एक मिनट। सर ये गलती पॉइंट आउट कर देता है कि फुल स्टॉप जो कोमा लग गया है। जी आसान हो गया काम। सारा जी तो चेक करें, ये तो चेक करें, ये स्पेलिंग देखें, इधर अगर ये हो गया उधर जाके। ओके जी, अब ये देखिए इसने हमें दे दिया एरर। एरर क्यों दे दिया? क्योंकि हमारा नेट बंद हो गया था। इसको दोबारा से अब करेंगे, नेट वाला मसला ही है। अच्छा जी, वो हमें बता रहा है कि इसमें माई ऐप जो है पहले से ही बन चुका है। अच्छा जी, हमारे पास ये चीज़ें बन तो गई हैं, वैसे ट्राई करते हैं CD माई ऐप। जी जी बेसिकली सारी चीज़ें आपके पास आ जाती हैं। बंद था वो? अच्छा बताया नहीं आप लोगों ने। अच्छा जी, हमने NPX create react app space my app की मदद से
प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया। अब हमारे पास देखें माई ऐप एक फोल्डर आ गया और इसके अंदर हमारे पास ये सारी फाइल्स और फोल्डर्स मौजूद हैं। अब इसका साइज़ देखें 183 MB जो कि इसने नेट से ही डाउनलोड किया है। तो इसको ओपन विद कोड करें, जी लाइट या डार्क? लाइट। यहाँ पर हमारे पास सोर्स में app.js जो हमारी मेन फाइल है और यही app.js index.js में जाती है, ठीक हो गया जी। तो मीन्स के मेन फाइल जो है index.js, लेकिन index.js को हम छेड़ते नहीं हैं, मीन्स के इसमें कुछ कोड वगैरह नहीं करती हैं, हमने जो कोडिंग करनी होती है वो करनी होती है app.js में। तो इस प्रोजेक्ट को रन करने का तरीका, इस अब प्रोजेक्ट फोल्डर में आके cmd रन करें और यहाँ पर अब आप लोगों ने लिखना है npm start। npm start से क्या होगा, एक सर्वर आपका रन करने लग जाएगा और उस सर्वर में आपकी ये वाली ऐप चलेगी। ओके जी, ये देखें ये आप लोग की रिएक्ट ऐप, ये जितनी भी आपको चीज़ नज़र आई है सारा पहले से ही कोड हुआ है इसमें। तो यहाँ पर देखें ये सारी चीज़ें, लोगो है, app.css है, ये जितनी भी फाइल्स हैं अगर आप क्रिएट रिएक्ट ऐप की मदद से ना करें तो आपको ये खुद सारी बनानी पड़ेंगी। ये सारी नेट से हुई, ऑटोमेटिक हुई है ना क्रिएट रिएक्ट ऐप की मदद से। ये वाली फाइल, ये फाइल लोगो तो जो आपको नज़र आ रहा है, index.js में ये सारा कोड है और app.test.js app.js ब्लैंक भी रहे तो कोई इशू वाली बात नहीं है। पब्लिक में जाके आपके पास ये पूरी फाइल है। अब यहाँ पे देखेंगे पब्लिक में आके आपके पास index.html की फाइल है, ठीक हो गया जी। index.html में सेम आपका वही कोड है जो आप लोग इंडेक्स में लिखते आए हैं, हेड एलिमेंट और यहाँ पर बॉडी एलिमेंट। टाइटल में हमारा क्या होता है, जो हम टाइटल लिखते हैं, ठीक हो गया, आवर फर्स्ट रिएक्ट ऐप कहते हैं इसको, ठीक हो गया, या फिर माय रिएक्ट ऐप। सेव किया इसको, अभी इसको बेशक सेव ना करें, इसको रिएक्ट ऐप ही रहने दें, app.js। तो यहाँ पर देखें आपको क्या नज़र आ रहा है, रिएक्ट ऐप। जैसे ही आप index.html में माय रिएक्ट ऐप लिखते हैं तो यहाँ पे देखें माय रिएक्ट ऐप हो गई, ठीक है जी। जी रिजवान भाई कन्फ्यूज़ हो गए, हमने index.html में टाइटल एलिमेंट में ही सिर्फ टाइटल चेंज किया है, तो टाइटल ही यहाँ पे आपको नज़र आता है ना। बाकी आपने फिलहाल इसको कुछ भी नहीं छेड़ना है। बॉडी में डिव, उसको आईडी क्या दी गई है, रूट। आपका जितना भी कोड है जो आपको ब्राउज़र में नज़र आता है वो इस डिव एलिमेंट के अंदर आता है। डिव एलिमेंट के अंदर आता किस तरह, वो सारा का सारा index.js या रिएक्ट ऑटोमेटिकली खुद से ही कर रहा है। तो index.js में आ जाते हैं या फिर सिंपल app.js में आप अपने div एलिमेंट को यहाँ से लेकर यहाँ तक ख़त्म कर दें, h1 my react app, सेव करें तो यहाँ पे देखें my react app ऑटोमेटिक चेंजेस होगी। टेक्स्ट अलाइन सेंटर हुआ है, ये क्यों हुआ है, क्योंकि हमने इसको div के अंदर रखा और div को क्लास दी गई है ऐप। इस app.css में ये देखें टेक्स्ट अलाइन सेंटर है ऑलरेडी। अगर आप यहाँ से इसको ख़त्म कर दें, app.css को आपने ब्लैंक कर दिया, सेव करें तो अब देखें आपका ये सिंपल ऐसे ही जैसे index.html की आपने अभी भी फाइल क्रिएट की है। app.js में अब बेशक यहाँ से ये भी ख़त्म करते हैं, हमें इसकी भी ज़रूरत नहीं है। और यहाँ से लोगो हमने जो ख़त्म कर दी, यूज़ नहीं कर रहे हैं यहाँ पे ना, आप इम्पोर्ट लोगो फ्रॉम logo.svg। इम्पोर्ट क्या होता है, एक्सपोर्ट क्या होता है, हम अभी इस पर आएंगे। तो लोगो की जो फाइल थी वो यहाँ पे थी, ठीक है,
अब लोगो हम यूज़ नहीं कर रहे हैं तो आप इसको डिलीट कर सकते हैं। हमने लोगो को डिलीट कर दिया। index.css में कुछ चीज़ें हैं, css का ही कुछ कोड है। ये index.css जो है आपको index.js में इंपोर्ट हो रही होगी। index.js में ये index.css की फ़ाइल इंपोर्ट हो रही है, तो हमें index.css की फ़ाइल चाहिए ही नहीं, हम इसको डिलीट कर देते हैं। डिलीट कर दिया तो अब ना एरर आएगा। एरर क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पे वो फ़ाइल तो मौजूद नहीं है, लेकिन index.js में हम यहाँ पर उसको यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखें, ये एरर दे रहा है आपको, मॉड्यूल नॉट फाउंड, एरर है कांट रिजोल्व index.css। कहाँ पर? माय ऐप सोर्स फोल्डर में। वो ऐप मौजूद होनी चाहिए थी लेकिन वो उसको मिल नहीं रही है, तो इस वजह से। और वो एरर भी आपको बता रहा है किस फाइल में मौजूद है, एरर इन डॉट सोर्स इंडेक्स डॉट जी एस लाइन नंबर 6। ठीक हो गया जी? तो लेकिन यहाँ पर ये लाइन नंबर 3 पे मौजूद है, इंडेक्स डॉट जी एस 6। खैर इसको छोड़ें, तो इंडेक्स डॉट सी एस एस आपको नज़र आ रही है, आप इसको ख़त्म कर दें, सेव करें, तो अब वो एरर भी ख़त्म हो जाएगा। ऑल राइट जी, तो हमारा रिएक्ट का जो प्रोजेक्ट था वो क्रिएट हो गया है, और इस टाइम ये बिल्कुल ब्लैंक है, हमने इस टाइम कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। अच्छा जी, अब आते हैं ऐप डॉट जी एस में। आप लोग जो कुछ लिख रहे हैं इसी में हमने ऐप डॉट सी एस एस को भी इम्पोर्ट किया हुआ है। ये ऐप डॉट जी एस जो है, यहाँ पर देखें हम क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट है। आपने किसी भी फाइल को इम्पोर्ट अगर करना है तो सबसे पहले आप उस फाइल को एक्सपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे तो इम्पोर्ट कर सकते होंगे। हम यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे हैं एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट ऐप, जो हमने फंक्शन बनाया है। एक ये फंक्शन बना हुआ है, फंक्शन के अंदर हम क्या कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं। रिटर्न में अब आपने सिंपल HTML लिख देना है। तो जो कुछ आप लिखते जाएंगे वो सारा का सारा इस ऐप में आ रहा है, ऐप फंक्शन में आप उसको ही रिटर्न कर रहे हैं। हमने यहाँ पर एक्सपोर्ट किया index.js की फ़ाइल में, आ जाएं index.js की फ़ाइल में, इम्पोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट जी। चेयर है, पंखा भी चला दें, ये चेयर ना ये यहाँ पर ही पड़ी होगी, पड़ी है तो बैठ जाएं। ओके जी, इंपोर्ट करो रिएक्ट है, कहाँ से करो, रिएक्ट से करो। ये रिएक्ट जो है ये लाइब्रेरी एक बनी हुई है। जब हम CRA टेम्पलेट से हमने प्रोजेक्ट क्रिएट किया उसमें हमने देखा था रिएक्ट इंस्टॉल हो रही थी, रिएक्ट स्क्रिप्ट्स हो रही थी और रिएक्ट डोम हो रही थी, तो ये तीन लाइब्रेरी एक साथ इंस्टॉल होती हैं। इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, इंपोर्ट रिएक्ट डोम फ्रॉम रिएक्ट डोम। उसके अंदर मज़ीद एक और फोल्डर बना होगा क्लाइंट का। अब ये देखें, इम्पोर्ट करो ऐप, कहाँ से करो, ऐप से, जो यहाँ पर हमने फाइल क्रिएट की हुई है। आपके पास ऐप आ गया। अब यहाँ पर कॉन्स्ट रूट, ये क्या हो रहा है, एक वेरिएबल बन रहा है। उस वेरिएबल में रिएक्ट डोम डॉट क्रिएट रूट, ये जो हमने डोम जो पढ़ा था जावास्क्रिप्ट में, ये वो वाला मेथड अब यूज़ हो रहा है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल वाला। रिएक्ट डोम डॉट क्रिएट रूट, उसके अंदर डॉक्यूमेंट में से एलिमेंट को गेट करो बाय आईडी, और आईडी क्या दी गई है, रूट। और ये रूट आईडी हमें कहाँ पे नज़र आई थी, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल की फाइल में। यहाँ पे देखें, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल की फाइल में एक एलिमेंट है div और उसको आईडी दी गई है रूट। अब उसी एलिमेंट को गेट किया गया, यहाँ पर उसी एलिमेंट को गेट किया गया है। उसके बाद रूट को रेंडर करो, रेंडर उसके अंदर क्या करो, ऐप। अब ऐप के अंदर जो कुछ आप लोग लिख रहे होंगे वो सारा का सारा इंडेक्स डॉट जे एस की मदद से इस रूट एलिमेंट के अंदर नज़र आता जाएगा आपको। ठीक हो गया जी, इसको मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। एलिमेंट्स में आए तो यहाँ पर देखें, बॉडी नो स्क्रिप्ट,
नज़र आ रहे हैं एलिमेंट नो स्क्रिप्ट, यू नीड टू इनेबल जावा स्क्रिप्ट टू रन दिस ऐप। तो यहाँ पर देखें इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में यही लिखा हुआ है नो स्क्रिप्ट, उसके फौरन बाद डिव आई डी एलिमेंट रूट है। तो यहाँ पर देखें डिव आई डी रूट है, उस डिव आई डी रूट के अंदर डिव एलिमेंट और डिव एलिमेंट के अंदर एच वन माई रिएक्ट ऐप। अब ये वाला डिव और ये एच वन कहाँ से आ रहा है, ये ऐप डॉट जे एस से आ रहा है, जो हमने यहाँ पर डिव यहाँ से लेकर यहाँ तक कोड लिखा है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्लास नेम ए बी सी, सेव करें तो यहाँ पर भी देखें क्लास ए बी सी आ गई। हमने जावास्क्रिप्ट की फाइल में क्लास नहीं लिखना, क्योंकि क्लास जो है वह जावास्क्रिप्ट का अपना रिजर्व कीवर्ड है, इस वजह से हम क्लास नहीं लिख सकते हैं। अगर आप यहाँ पे लिखेंगे कंसोल में जाएंगे तो ये देखें वार्निंग इनवैलिड डॉम प्रॉपर्टी क्लास डिड यू मीन क्लास नेम, तो इस वजह से हमने यहाँ पर क्लास नेम लिखना है। तो आप लोग कभी भी जिस तरह बूटस्ट्रैप का हम कोड उठाते हैं और उसको अपनी फाइल में पेस्ट कर देते हैं, उसमें से हमें सिंपल एचटीएमएल मिलती है, ठीक है, तो उसको आप लोग सबसे पहले इसमें कन्वर्ट करेंगे, जहाँ जहाँ क्लास वर्ड होगा उसको आपने क्लास नेम कर देना है। सेव करें और इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये एरर भी चला जाएगा। नो स्क्रिप्ट का मतलब जिस ब्राउज़र में जावास्क्रिप्ट इनेबल नहीं है उसमें फिर ये वाला कोड नज़र आएगा, ये लिखा हुआ नज़र आएगा। जिस ब्राउज़र में जावास्क्रिप्ट इनेबल नहीं है उसमें ये वाला टेक्स्ट लिखा हुआ नज़र आ जाएगा कि अगर आपने इस रन को ऐप करना है तो आपको अपने ब्राउज़र में जावास्क्रिप्ट को रन करना पड़ेगा। अगर तो जावास्क्रिप्ट सपोर्टेड होगा तो फिर ये नो स्क्रिप्ट का एलिमेंट भी उसमें चलता है, फिर उसमें उसके अलावा जितना भी कोड लिखा होगा वो सारा चलेगा। इसमें ब्राउज़र में कहीं एक तरीका था जावास्क्रिप्ट को ख़त्म करने का, वो तरीका जी सेटिंग्स में है, ब्राउज़र की सेटिंग्स में कहाँ पर जी ये नेबल जावास्क्रिप्ट के लिए यहाँ कहीं से ना होता है जी जी ये देखें जब जावास्क्रिप्ट को हम डिसेबल कर दें, अगर आपका ब्राउज़र सपोर्ट नहीं करता है जावास्क्रिप्ट को, तो फिर नो स्क्रिप्ट में जो कुछ लिखा होता है वो नज़र आता है। अगर जावास्क्रिप्ट इनेबल्ड है तो फिर नो स्क्रिप्ट का कोड चलता ही नहीं है, तो फिर आपको उसके अलावा जितना भी कोड होगा वो नज़र आएगा सिर्फ और सिर्फ, ठीक हो गया जी जी इतना क्लियर है। कोई सवाल हो किसी का पूछ लें जी। उसामा भाई शुरू से नहीं बताया जाना शुरू से खुद देखिएगा। उसके अलावा अभी तक पूछें सर, आपने एचटीएमएल नो कोड में लिखी है, एचटीएमएल आपने एक ऐप की ऐसे लिखा है सर, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में हमने क्या लिखा है, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल की एक ही फाइल है जी। ये देखे ना div id root, ठीक हो गया जी, div id root किया, इस root को get किया जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब root के अंदर ये root जो है ये वाला element बन गया, इस element के अंदर हम क्या कर रहे हैं,
ऐप एलिमेंट को इंसर्ट कर रहे हैं, ये एक कंपोनेंट है, ये जो है ये कंपोनेंट कहलाएगा ऐप कंपोनेंट। इस ऐप कंपोनेंट में देखें हम क्या लिख रहे हैं, डिव। अब ऐप में आपने जो कुछ लिखा होगा वो एज इट इज़ वहाँ पे उसको नज़र आएगा HTML का कोड। तो यहाँ पर देखें डिव एलिमेंट है, उसके अंदर H1 है, तो यहाँ पर भी वही चीज़ हो रही है, डिव ID root जो index.html में बनी है, उसके बाद ये जो बनी है app.js में बनी है div class abc। जी क्लाइंट फोल्डर React DOM from client है, ये नोड मॉड्यूल नोड मॉड्यूल्स के अंदर आपको रिएक्ट डोम मिलेगा, उसके अंदर क्लाइंट का फोल्डर होगा। ये रहा रिएक्ट डोम, रिएक्ट डोम के अंदर जी ये रहा क्लाइंट डॉट js, ये उसको गेट कर रहा है। ऑल राइट जी, इतना क्लियर है जी। ये कंपोनेंट है, ये सेल्फ क्लोज है ना, ये सेल्फ क्लोज, सेल्फ क्लोज टैग का नहीं पता, इसके अंदर हमने कुछ लिखना ही नहीं है। तो आपके कंपोनेंट जितने भी होंगे वो फिर इस तरह के ही बनते हैं, आप उसको साथ साथ सेल्फ क्लोज कर देते हैं। ओके जी, उसके बाद अच्छा जी एक चीज़, अब यहाँ पर आपकी जितनी लाइब्रेरीज हैं, फॉर एग्जांपल अभी तो ये सिंपल सा हमने एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया है, इसमें हमने एडिशनल कोई लाइब्रेरी भी इंस्टॉल नहीं की अभी तक। आप इसी तरह डिफरेंट लाइब्रेरी इंस्टॉल करने लगते हैं, अगर आपने बूटस्ट्रैप को यूज़ करना है तो आप बूटस्ट्रैप को इंस्टॉल करेंगे, आपने सैस यूज़ करना है तो आप सैस को इंस्टॉल करेंगे, इसी तरह डिफरेंट लाइब्रेरीज आप इंस्टॉल करते हैं। उन सारी लाइब्रेरीज़ का जितना भी डाटा होता है या जितनी फाइल होती हैं वो सारी की सारी नोड मॉड्यूल्स के अंदर आती हैं, ठीक हो गया जी। नोड मॉड्यूल्स के अंदर आपकी सबसे बड़ी फाइल, सबसे बड़ा फोल्डर जो है साइज़ में, वो यही बनता है। तो ये देखें साइज़ ऑन डिस्क 224 MB, 224 MB में ये सारी लाइब्रेरीज वगैरह इसमें इंस्टॉल्ड हैं। अब जब हम गिटहब में कोड को पुश करते हैं, या लेट सपोज आपने किसी को कोड देना है, अब ये नोड मॉड्यूल जो है ना जितने भी, ये सारे के सारे नेट से डाउनलोड हुए हैं, ठीक हो गया जी। तो नेट से तो कोई भी डाउनलोड कर सकता है। हमने गिटहब में भी जब कोई कोड पुश करना है तो आप लोग इस नोड मॉड्यूल्स के अलावा बाकी सारी फाइल्स को अपलोड करते हैं, बाकी सारी फाइल्स को अपलोड करते हैं नोड मॉड्यूल्स फोल्डर के अलावा। अब नोड मॉड्यूल्स अपलोड नहीं होगा, मींस कि अगर मैं यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ, आपका प्रोजेक्ट नहीं चलेगा। प्रोजेक्ट क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि जितनी भी लाइब्रेरीज हैं या जिसकी मदद से ये सारी ऐप काम कर रही है उसको वो फाइल्स नहीं मिलेंगी। जिस तरह हमने यहाँ पर एक फ़ाइल सिंपल इंडेक्स डॉट, या फिर मैं यहाँ पर ऐप की जगह वन कर देता हूँ app1.css, अब app1.css कोई फाइल है यहाँ पर नहीं। मैं सेव करूँगा तो ये भी हमें एरर दे देगा कि वो फाइल ही नहीं मौजूद है, कि एक फाइल की वजह से आपकी ऐप नहीं चल रही है। तो रिएक्ट एप्लीकेशन जो है वो इन नोड मॉड्यूल्स के तहत ही काम कर रही है, तो उसके बगैर कैसे प्रोजेक्ट क्रिएट होगा या रन होगा। तो आपकी जितनी लाइब्रेरीज हैं वो तो यहाँ पर रहेगी, आपने कोड अपलोड किया ये वाला, आप लोग साल बाद दोबारा इस प्रोजेक्ट को रन करना चाहते हैं, आपको फाइल्स जो मिलेंगी ये वाली ही मिलेंगी नोड मॉड्यूल्स के बगैर। तो वही सारी लाइब्रेरीज भी आपको दोबारा से चाहिए जो आपने इंस्टॉल की हैं, और सेम वर्जन की ही चाहिए। मींस कि अगर आपने किसी का वर्जन 1 इंस्टॉल किया है, साल बाद उसका वर्जन 10 हो जाता है, आपको 10 नहीं चाहिए होगा, आपको 1 ही चाहिए होगा, क्योंकि आपके प्रोजेक्ट में 1 का कोड लिखा हुआ है। तो वो फिर हम कैसे गेट कर सकते होंगे, मींस के साल बाद तो हमें अपना कोड भी नहीं याद रहता है, तो नोड मॉड्यूल्स की फाइल्स का कैसे पता लगेगा कि उसमें कौन कौन सी हमने लाइब्रेरी इंस्टॉल की थी। तो यहाँ पर ऐप
जो आपका प्रोजेक्ट फोल्डर है इसमें एक पैकेज डॉट जेसन की फाइल है, पैकेज डॉट जेसन की फाइल है, इसमें ये डिपेंडेंसीज, इस डिपेंडेंसीज में ये देखें रिएक्ट, रिएक्ट डोम, रिएक्ट स्क्रिप्ट्स, वेब वाइटल्स और ये सीआरए टेम्पलेट है, सीआरए टेम्पलेट जिसकी मदद से हमने इसको इंस्टॉल किया था। तो ये लाइब्रेरी सारी यहाँ पर मौजूद है, ठीक हो गया जी। अब जब भी आपने दोबारा से फॉर एग्जांपल यहाँ पर नोड मॉड्यूल्स नहीं है, आप इसको CMD में जाके NPM स्टार्ट करेंगे तो ये एरर दे देगा, क्योंकि इसको नोड मॉड्यूल्स नहीं मिलेगा, ना ही रिएक्ट स्क्रिप्ट मिलेगा जिसकी मदद से चल रहा है। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना होगा, अगर नोड मॉड्यूल्स नहीं है तो आप लोग NPM I करेंगे, NPM I जैसे ही करेंगे वो देखेगा सबसे पहले पैकेज डॉट जेसन की फाइल को, पैकेज डॉट जेसन में जितनी भी लाइब्रेरीज यहाँ पे उसको नज़र आएंगी, ये लाइब्रेरी है और ये उसका वर्जन है, तो ये उसको इंस्टॉल कर देगा। जब इंस्टॉल हो जाएगी तो फिर आपकी ऐप भी रन हो जाएगी इजीली। तो ये पैकेज डॉट जेसन फाइल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पैकेज डॉट जेसन फाइल ही आपके प्रोजेक्ट के साथ जाती है हमेशा। अगर आप पैकेज डॉट जेसन फाइल के अलावा अपने प्रोजेक्ट को रन करते हैं या डिप्लॉय कर देते हैं तो इट माइट बी पॉसिबल आप कभी चला भी ना सकें दोबारा, क्योंकि इसी में सारी कॉन्फ़िगरेशन वगैरह हो रही होती है और दोबारा से आपको सेम कॉन्फ़िगरेशन मिलेगी भी नहीं। या तो एक ये तरीका होगा, आपको दोबारा से सारा कुछ सीखना पड़ेगा, लेकिन बात वही, कोमा की जगह डॉट लगा दें तो आपका एरर नहीं जाएगा कभी भी। तो इस वजह से ये पैकेज डॉट जेसन की फाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके जी, इसमें कुछ npm स्टार्ट, जब हम npm स्टार्ट करते हैं तो रिएक्ट स्क्रिप्ट क्या हो जाते हैं, स्टार्ट हो जाता है। तो जब ये रिएक्ट स्क्रिप्ट स्टार्ट होता है इसकी मदद से ही हमारी एप्लीकेशन रन होती है। तो ये कुछ चीज़ें थी, ये वक्त के साथ साथ आप लोगों को वैसे ही ज़बानी याद हो जाएंगी। तो रिएक्ट ES6, व्हाट इज़ ES6? ES6 स्टैंड्स फॉर ECMAScript 6। ECMAScript वाज क्रिएटेड टू स्टैंडर्डाइज जावास्क्रिप्ट एंड ES6 इज द 6th वर्जन ऑफ ECMAScript। इट वाज पब्लिश्ड इन 2015 एंड इज आल्सो नोन एज ECMAScript 2015। व्हाई शुड आई लर्न ES6? इसमें क्लासेस जो कि हमने नहीं करनी, एरर फंक्शंस करेंगे। एरो फंक्शन आप लोगों ने पहले भी देखा हुआ है, बनाना आता है ना, तो सिंपल फंक्शन और एरो फंक्शन। एरो फंक्शन हम यूज़ करेंगे वेरिएबल्स लेट, कॉन्स्ट और वार। तो इसमें हम वार तो यूज़ करते ही नहीं हैं, कभी भी नहीं यूज़ किया मैंने खुद भी शायद, लेट और कॉन्स्ट ही हमेशा यूज़ किया है, या तो कॉन्स्ट या फिर लेट, डिपेंड करता है कि आप लोग किस तरह की चीज़ स्टोर करवाने लगे हैं। एरे मेथड्स लाइक मैप, फिल्टर, फाइंड, जो हम तीन यूज़ करते आ रहे हैं। डिस्ट्रक्शन करना, मॉड्यूल्स को इंपोर्ट कैसे किया जाता है, एक्सपोर्ट कैसे किया जाता है, टर्नरी ऑपरेटर आते हैं, टर्नरी ऑपरेटर नहीं हमने नहीं किया यहाँ पे नहीं किया, टर्नरी ऑपरेटर और स्प्रेड ऑपरेटर। स्प्रेड ऑपरेटर मैंने आपको लास्ट डायमंड में थोड़ा सा बताया था, जब हम दो ऑब्जेक्ट्स का डाटा एक साथ एक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हैं, मर्ज करते हैं, तो लेट सपोज लेट यूज़र इक्वल टू नेम अहमद, लेट यूज़र टू इक्वल टू नेम तलहा, लेट यूज़र्स इक्वल टू या फिर ऑल यूज़र। तो यहाँ पर हम यूज़र और यूज़र टू इस तरह स्प्रेड करते हैं, तो इसे स्प्रेडिंग कहा जाता है। तो अब ऑल यूज़र में यूज़र क्या बन जाएगा, सिर्फ सिर्फ नेम तलहा रह जाएगा, क्योंकि पहले हम यूज़र को कर रहे हैं, यूज़र आ जाएगा यहाँ पर नेम अहमद के साथ, फिर वो सेम अगर प्रॉपर्टी हो, जिस तरह ये देखें इसमें भी सेम प्रॉपर्टी है और इसमें भी सेम प्रॉपर्टी है, तो सेम प्रॉपर्टी को वो ओवरराइड कर देता है जो बाद में आएगा। तो यूज़र टू बाद में आएगा, तो बाद में हमने जो भी लिखा है वो हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर यूज़र टू कर देते हैं और यहाँ पर यूज़र करते हैं तो अब जो है नेम वो अहमद बनेगा, क्योंकि यूज़र टू पहले तलहा गया और उसके बाद नेम जो है वो
अहमद आ गया। तो ये स्प्रेडिंग है, ये हम बाद में दोबारा भी पढ़ लेंगे। बाकी आपकी रिएक्ट की कुछ ये चीज़ें थी, ES6 रिएक्ट रेंडर HTML JSX कंपोनेंट्स वगैरह हम ये पढ़ेंगे इसमें। अब आप लोगों ने यहाँ पे कुछ भी लिखना है, लेट्स सपोज पी लॉरेम, हमने एक डमी डाटा ले लिया, एंटर करें अपने ब्राउज़र में आए माई रिएक्ट ऐप में, तो यहाँ पे देखें आपकी वो ऐप आ गई। ठीक हो गया जी, यहाँ पर हमने क्लास क्या दी हुई है, ABC app.cs में आए .abc और यहाँ पर कलर रेड, तो इसका कलर रेड हो जाएगा। तो मीन्स के सिंपल वही सारी चीज़ें, बस लिखने का तरीका थोड़ा सा चेंज है, ये चीज़ें चेंज हो गई हैं। बाकी एक चीज़, जब भी एक पेज से दूसरे पेज पर नेविगेट किया जाता है, हम इसमें एंकर टैग यूज़ नहीं करते हैं, एंकर टैग हम सिर्फ और सिर्फ तब यूज़ करते हैं जब आपने अपनी वेबसाइट से किसी दूसरी वेबसाइट पे जाना है, तो फिर आप एंकर टैग ही यूज़ करेंगे। अगर आपने अपनी वेबसाइट पर ही रहना है तो आप कभी भी एंकर टैग नहीं यूज़ करेंगे। एक पेज से दूसरे पेज पर नेविगेट होने के लिए हम इसमें लिंक एक कंपोनेंट आता है, हम वो इसको इंस्टॉल करते हैं और वो यूज़ करते हैं, तो वो बाद में देखेंगे। अभी सोर्स फोल्डर, सेटअप टेस्ट, रिपोर्ट वेब वाइटल्स और index.js, app.test.js, हमारा जो काम है ना बेसिकली ये app.test.js वगैरह ये सारी चीज़ें, ये जब हम अपनी ऐप को टेस्टिंग पर्पज़ में लेके जाते हैं, टेस्टिंग प्रोसेस में, ये उस टाइम ये काम आती हैं जो अक्सर टेस्टर वगैरह के लिए बहुत फ़ायदे में रहती हैं। तो हमारा जो काम होगा ज़्यादा से ज़्यादा app.js की हद तक है, हमने index.js को भी नहीं अब देखना। कभी हो गया कोई चीज़ वगैरह आ गई तो हम यूज़ कर लेते हैं, अदरवाइज index.js भी नहीं, इसमें हमारा app.js में ही सारा कोड आएगा। तो app.js में ऐसा नहीं होता कि आप इसी फाइल में सारा का सारा कोड लिख दें। कोई आपकी एक साल से कोई वेबसाइट बन रही है, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, और आप सारा कोड इसमें ही लिख दें, ऐसा भी नहीं होता है। अब हमने क्या करना है, सोर्स फोल्डर के अंदर सबसे पहले स्टाइलिंग के लिए आप एक फोल्डर बनाएं scss, हमने जितनी भी स्टाइलिंग करनी है, अब आप लोगों ने css में नहीं करनी है, आप लोग scss में करेंगे। ठीक हो गया जी, इस app.css को सबसे पहले आप लोगों ने करना है app.scss, और app.js में जहाँ पर आप लोग app.css को कर रहे थे आप लोग इसको app.scss करेंगे। अभी रन करेंगे तो ये एरर देगा क्योंकि हमने सैस को नहीं अभी तक इंस्टॉल किया। याद है जब हम सिंपल HTML में करते थे तो हम सैस को एक कंपाइलर की मदद से, ट्रांसपाइलर की मदद से जो वाच सैस करते थे उसको CSS में कन्वर्ट करता था। उसी तरह रिएक्ट में हम इसको कंपाइल इस तरह तो नहीं करते हैं, हम सिंपल एक लाइब्रेरी इंस्टॉल करते हैं, वो लाइब्रेरी ऑटोमेट सब कुछ ही अंदर चीज़ें करके हमें CSS में ही कोड प्रोवाइड कर रहा होता है, तो इसमें अलग से CSS की फाइल क्रिएट भी नहीं होती है। चलो, मैं नेट नहीं है, 7:30 बजे लाइट आती है तो इसको देखते हैं। जी जी, काम तो करेगा लेकिन काम आपका मुश्किल होगा क्योंकि अब ये जितनी भी फाइल है ना, अगर आप app.css की ही फाइल, ये तो एक सिंपल एक फाइल है ना, आपके पास 100 फाइल्स और बन जाती हैं स्टाइलिंग की, नहीं फाइल सिंपल स्टाइलिंग के लिए। हेडर की अगर फाइल है ना, हेडर एक कंपोनेंट है, हेडर की सारी स्टाइलिंग हमने हेडर की फाइल में करनी है, फुटर की सारी स्टाइलिंग आपने footer.scss में करेंगे आप, या css कह लें आप, और हर पेज की स्टाइलिंग, लेट्स सपोज फ्रंट एंड है, फ्रंट एंड की स्टाइलिंग आप लोग उसमें करेंगे, डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड की स्टाइलिंग के लिए अलग सेम, और डिफरेंट इस तरह की बहुत सारी फाइल्स बनती हैं हर पेज के अकॉर्डिंगली आप कह लें। आपके पास कोई 20 फाइल्स बन गई, अब 20 फाइल आपकी css की तो बनेंगी, उन सारी css फाइल को आप जिस तरह ये app.css में कर रहे हैं, और यहाँ पर भी app.css, आपने app.css किया उसी तरह, अब आप लोग यहाँ पर नीचे कोई 20 फाइल है इस तरह इंपोर्ट कर रहे होंगे ऐसे ही है, जो कि .js की फाइल में आ चुके हैं। लेकिन अगर यही चीज़ है हम scss में कर लें, उसके बाद आपने जितनी भी फाइल्स बनानी है वो सारी की सारी आप app.scss में इंपोर्ट कर रहे होंगे, तो मेन जो हमारी फ़ाइल होगी app.scss
SCSS है, वो आपकी एक बारी बस इम्पोर्ट होगी यहाँ पर। तो मीन्स के CSS का कोड भी सारा सेपरेट हो जाता है। आप लोग बार बार app.js में जाके CSS को इम्पोर्ट नहीं करते हैं। अब इसमें फॉन्ट्स भी बहुत सारे होते हैं, हम फॉन्ट्स को भी डाउनलोड कर लेते हैं, उसको यूज़ करते हैं, आप उसकी भी एक अलग से फाइल बनाते हैं, तो वो सारी की सारी फाइल्स आपकी app.scss में आएंगी। जी जी हम कंपोनेंट में लगाएंगे नहीं फिर। हाँ जी, हम कंपोनेंट में नहीं लगाएंगे। तो नहीं, वो दो तरीके हैं, दो तरीके हैं, अपनी अपनी मर्जी है। एक तरीका ये है कि आपकी जितनी भी CSS की फाइल्स हैं वो सारी की सारी SCSS फोल्डर में आ जाए, और JS का टोटल जो कोड है वो सारा सेपरेट ही रहेगा। तो एक ये तरीका भी है, बाकी आप जो तरीका बता रहे हैं, आपने जो ट्यूटोरियल वगैरह देखा होगा उसमें वो इस तरह कर रहे होंगे, तो वो भी ठीक है। ऑल राइट जी, बाकी नमाज के बाद करते हैं इंशाल्लाह। अच्छा जी, app.js यहाँ पर अब हम माई रिएक्ट ऐप चल रही है। अब कोई भी लाइब्रेरी अगर आप लोगों ने इंस्टॉल करनी है अपने प्रोजेक्ट में, कोई भी अगर लाइब्रेरी आप लोगों ने इंस्टॉल करनी है तो अच्छा जी, अब आप लोगों ने कोई लाइब्रेरी अगर इंस्टॉल करनी है, अब तक हमने क्या किया था, सिंपल npx क्रिएट रिएक्ट ऐप और आगे ऐप प्रोजेक्ट का हमने नेम रख दिया था, तो आपकी ऐप क्रिएट हो जाती है। ऐप क्रिएट जब होती है तो उसमें आपकी कुछ लाइब्रेरी साथ में इंस्टॉल होती हैं। कौन कौन सी हैं? रिएक्ट, रिएक्ट डोम, रिएक्ट स्क्रिप्ट्स, वेब वाइटल्स और CRA टेम्पलेट। तो ये कुछ लाइब्रेरीज, पांच लाइब्रेरीज टाइम ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हैं, जिसकी मदद से आपका रिएक्ट प्रोजेक्ट कम्प्लीट होता है, रन होता है। अगर आपको मज़ीद अब लाइब्रेरीज चाहिए तो आप लोग किस तरह करेंगे? अच्छा, जिस तरह हम ये CMD इसमें ओपन करते हैं, तो VS कोड का अपना टर्मिनल भी है, अपना CMD है। तो वो कैसे होता है? कंट्रोल प्लस बैक टिक। जिस तरह हम वो टेम्पलेट लिटरल नहीं लिखते हैं, बैक टिक वाला नंबर रोज में वन के साथ जो आता है, या टैब से ऊपर वाला बटन, आप उसको करेंगे तो आपका ये टर्मिनल ओपन हो जाता है। इस टर्मिनल में आप लोगों के पास यहाँ पे कुछ ऑप्शंस होते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट करें, गिट बैश करें, जावास्क्रिप्ट डीबगर टर्मिनल और पावर शेल, जो दो होते हैं मेन, पावर शेल और कमांड प्रॉम्प्ट। तो कमांड प्रॉम्प्ट में ही करें, ये ज़्यादा बेहतर है। अब कोई भी लाइब्रेरी अगर इंस्टॉल करनी है तो npm i, जिस तरह हम npm से हमने सर्च को इंस्टॉल किया था सबसे पहले, npm i -g हमने किया था ना, -g का मतलब होता है ग्लोबल, वो ग्लोबली आपके पूरे सिस्टम में इंस्टॉल हो जाती है, तो आप उसको कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये जो लाइब्रेरीज हैं ये सिर्फ और सिर्फ इस प्रोजेक्ट के लिए हमने इंस्टॉल करनी है, तो इसलिए आप npm i सिर्फ आगे लाइब्रेरी का नेम लिखेंगे। तो लाइब्रेरी हमें एक चाहिए सैस, ताकि आप सैस को रन कर सकें। कंट्रोल शिफ्ट आगे क्या था? सिर्फ कंट्रोल बैक टिक, शिफ्ट नहीं है। जी ये सैस हो जाए, मैं सैस को आपको चला के दिखाऊं, उसके बाद मैं बूटस्ट्रैप करता हूँ। अगर आपने एक साथ ही करनी होती तो सैस के बाद आगे स्पेस दे देते, बूटस्ट्रैप लिख देते, उसके बाद मज़ीद कोई लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी है स्पेस दें और उस लाइब्रेरी का नेम लिख दें, एक साथ ही सारी लाइब्रेरीज इंस्टॉल हो जाती हैं। क्या तो ज़्यादा टाइम से मुराद आपने बाद में भी तो करना ही है। अब अगर नेक्स्ट प्रोजेक्ट जब हम क्रिएट करेंगे, मैंने एक बार ही लाइब्रेरी इंस्टॉल कर देनी सारी, अभी तो मैं आपको फर्स्ट टाइम बता रहा हूँ ना, सेकंड टाइम तो बस हमने इंस्टॉल किया करनी है, तो हमें वो आपके इसमें स्टोर हो जाती है। टोटल कितनी लाइब्रेरी? वो तो डिपेंड करता है आपने क्या क्या यूज़ करना है अपनी वेबसाइट में। ये 6 हो गई अपना, नोड मॉड्यूल्स हमने नोड मॉड्यूल्स को नहीं कॉपी करना है। नोड मॉड्यूल्स आपका गिटहब में भी नहीं पुश होगा, ये नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर आपके सिर्फ इस फोल्डर में है। नेक्स्ट टाइम जब भी, लेट सपोज आप अपने सिस्टम पे ऑपरेटिंग सिस्टम दोबारा इंस्टॉल करते हैं, या विंडोज़ से आप लिनक्स में मूव कर जाते हैं, तो ये प्रोजेक्ट फोल्डर जो आपने अपलोड किया होगा, लेट सपोज गिटहब में किया हुआ है, आपने कोड सारा ख़त्म कर देना है, यहाँ से डिलीट हो गया फोल्डर। अब दोबारा जब आप इसको डाउनलोड करेंगे कोड को, तो नोड मॉड्यूल्स के अलावा सारी फाइल्स आएंगी आपके पास। करनी पड़ेंगी,
करनी पड़ेगी। नहीं 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 कॉपी पेस्ट, ये कॉपी पेस्ट तो होगा भी नहीं, ये कॉपी पेस्ट ऐसा है, मैं अगर आपको दिखाऊं इसके अंदर, इसको डिलीट करने में टाइम लगता है। ये इस टाइम देखें 34,328 फाइल्स हैं। मैं आपको एक दूसरा फोल्डर दिखाता हूँ, इंस्टीट्यूट नोड मॉड्यूल्स, इसने बढ़ते जाने, ये कोई जीबी में जाएगा और फाइल्स कोई लाख से ज़्यादा हो जाएंगी, तो इसको डिलीट करने में भी टाइम लगता है। चलें जी यहाँ पे रुक गया, 70,257 फाइल्स है और 663 MB की फाइल्स मौजूद हैं। तो अगर आप इसको डिलीट करते हैं, डिलीट में भी टाइम लेगा, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, एक फाइल भी अगर मिस हो गई तो आपके वो फोल्डर या प्रोजेक्ट नहीं रन होगा। इस वजह से इसको नहीं किया जाता है, हम करते क्या हैं, लेट्स सपोज आपके पास ना ये सारी फाइल्स होंगी, बिल्ड का भी नहीं होता, वी एस कोड ये सारी चीज़ें अलग हैं, आपके पास ये चीज़ें होती हैं, ठीक हो गया जी। ये जब चीज़ें होंगी ना, आपने CMD पे आना है और NPM I कर देना है बस। NPM I हमने आगे लाइब्रेरी को कोई नेम नहीं लिखना है, तो लाइब्रेरी जब नेम नहीं लिखते हैं तो NPM I क्या करता है, ये पैकेज डॉट जेसन में देखता है कि कौन कौन सी डिपेंडेंसीज हैं, तो ये उन सारी लाइब्रेरीज को इंस्टॉल कर देता है ऑटोमेटिक। अगर आपने कोई लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी है तो फिर आगे स्पेस देके उसका नेम लिखेंगे। तो हम यहाँ पर आ जाते हैं, हमने सैस को इंस्टॉल कर लिया, अब सैस को इंस्टॉल कर लिया तो यहाँ पर app.scss और app.js में भी जाके app.scss करेंगे तो ये हमें अभी भी एरर देगा, होपफुली माई रिएक्ट ऐप ये एरर देगा। एरर क्यों दे रहा है, इस एरर से बचने के लिए हमारा प्रोजेक्ट अभी भी रन है, यहाँ पर देखें ये अभी भी रनिंग मोड में है। अब हमने क्या करना है, इसको सबसे पहले सर्वर को बंद करना है, तो सर्वर को बंद करने के लिए उसी CMD में अगर करेंगे तो Ctrl+C प्रेस किया जाता है, टर्मिनेट कर दिया जाता है, Ctrl+C प्रेस करते जाएंगे तो वो टर्मिनेट हो जाएगा। अब उसके बाद हम प्रोजेक्ट को अपनी रिएक्ट एप्लीकेशन को रन करने के लिए क्या लिखते हैं, npm start है, तो npm start करेंगे तो अब ये काम करेगा विथ SCSS, तो वो सैस जो भी हमने इंस्टॉल किया था अब ये उसके साथ रन होगा, क्योंकि पहले से हमने इसको रन किया हुआ था सर्वर को ना, अब ये दोबारा से कंपाइल करेगा npm start। क्या चीज़, फिर ये npm start करना ही पड़ेगा दोबारा भी, आपने प्रोजेक्ट तो रन करना ही है। तो ये देखें अब ये विद SCSS चल रहा है हमारा, ओके जी। अब बूटस्ट्रैप इंस्टॉल कर लेते हैं, npm i बूटस्ट्रैप, तो हमारे यहाँ पे package.json में बूटस्ट्रैप का कौन सा वर्जन चल रहा है आजकल, 5.2 आई थिंक अब समथिंग इस तरह, बट ये आई थिंक 5.1.3 इसने किया गेट बूटस्ट्रैप में 5.2 डाल रहा है, ठीक हो गया जी। 5.2.0 beta 1, ये बीटा वर्जन है इस टाइम दरअसल, तो इस वजह से अगर इसको इंस्टॉल करना है तो फिर आप लोग जिस तरह npm i हमने सिंपल बूटस्ट्रैप लिखा था, आप ये पूरा ही कोड कॉपी करके पेस्ट करेंगे तो 5.2 ही रन होगा, ये रन होगा फिर। वो दरअसल बीटा वर्जन है, वो टेस्टिंग फेज में है अभी, तो आप जब प्रोजेक्ट क्रिएट करें तो टेस्टिंग में ना जाएं, अगर टेस्टिंग करनी है सिर्फ टेस्टिंग के लिए उसको इंस्टॉल करें, अदरवाइज ना करें, ओके जी। तो बूटस्ट्रैप की लाइब्रेरी हमने इंस्टॉल कर लिया, अब हम इसको ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं, इसके लिए दोबारा से हमें कंपाइल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, दोबारा सर्वर चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। app.scss में आ जाएं, यहाँ पर एक फ़ाइल बना लें, अब जितनी भी फाइल्स बनेंगी हम वो अंडरस्कोर से बनाएंगे, अंडरस्कोर bootstrap.scss, यहाँ पर इंपोर्ट करो नोड मॉड्यूल्स में बूटस्ट्रैप और यहाँ पर SCSS में जाके आपको bootstrap.js
SCSS मिल जाएगा। सेव करें। अच्छा जी, app.js में जाके हम यहाँ पर टेक्स्ट सेंटर करते हैं, तो टेक्स्ट सेंटर से क्या होगा, सेंटर में टेक्स्ट आ जाएगा, लेकिन अभी यहाँ पर नहीं है। क्यों नहीं है? हमने यहाँ पर अभी बूटस्ट्रैप की सिर्फ फाइल क्रिएट की है। इस बूटस्ट्रैप को अब हमने app.scss में इम्पोर्ट करना है, और app.scss जो है वो पहले से हमने app.js में इम्पोर्ट किया हुआ है, और app.js की फाइल ही index.js में जा रही है। तो ये इस तरह इसकी सीरीज बनती है। जी मैं कर देता हूँ जी। क्रिमिनल इस ये स्ट्रक्चर इसमें ना डिफाइन इस तरह किए जाते हैं ताकि आप लोगों का यहाँ पे सबसे पहले इसको इंपोर्ट करें। इंपोर्ट के लिए ऐड इंपोर्ट, अब इसमें अब यूआरएल नहीं हमने देना है, यहाँ पर सिंपल एससीएसएस में बूटस्ट्रैप इस तरह जब हम लिखेंगे अंडरस्कोर से जो फाइल बनेगी, ना तो हम अंडरस्कोर लगाते हैं और ना ही एक्सटेंशन देते हैं, और यहाँ पर अब जाके लाजमी आपने जी app.scss में जो मेन हमारी फाइल होगी ना उसमें हमने इंपोर्ट किया। सेव करें तो यहाँ पर एरर आ गया, मॉड्यूल बिल्ड फेल्ड bootstrap.scss app.js bootstrap.scss होना तो नहीं चाहिए था। ओके जी, हो गया। तो वहां से यूआरएल खत्म कर दें, तो यूआरएल URL के बगैर हम इसको लिखेंगे तो वो काम कर रहा है। जी बूटस्ट्रैप CSS की जो फाइल्स थी वो लिंक हो चुकी हैं। अब अगर आपने JS को भी लिंक करना है तो JS को लिंक करने के लिए आप .js की फाइल में ही आएंगे, तो उसको लिंक करने के लिए आप लोग इंपोर्ट, सिंपल इंपोर्ट करें बूटस्ट्रैप, बूटस्ट्रैप में डिस्ट, ये इसकी फाइल होगी DIST, और उसमें JS और JS के अंदर बूटस्ट्रैप, ठीक हो गया जी। आप लोग इसको बूटस्ट्रैप JS कह रहे हैं, तो अब JS की फाइल भी लिंक हो चुकी है। JS की फाइल इंपोर्ट करें, इंपोर्ट हमने क्या करना है, बूटस्ट्रैप लिखें। अब डायरेक्ट अगर आप लिखते हैं तो ये नोड मॉड्यूल्स फोल्डर के अंदर ही जाता है। अभी जो हमने लाइब्रेरी इंस्टॉल की थी, लाइब्रेरी हमने इंस्टॉल की है, लाइब्रेरी का जितना भी डाटा है वो कहाँ पे स्टोर होगा, नोड मॉड्यूल्स में, तो ये डायरेक्ट नोड मॉड्यूल्स को ही गेट करता है। बूटस्ट्रैप फॉरवर्ड स्लैश डिस्ट फॉरवर्ड स्लैश JS फॉरवर्ड स्लैश बूटस्ट्रैप, ठीक हो गया जी। अगर आप CSS को इंपोर्ट करते तो CSS यहाँ पर आप लोग फिर CSS में जाते और CSS में जाके bootstrap.min.css मिलती है आपको फाइल, ठीक हो गया जी। ये इस तरह की चीज़ें अगर JS को कर रही हैं तो bootstrap डॉट, बल्कि हमने JS में जाना है, JS फॉरवर्ड स्लैश bootstrap, ठीक है जी। हाँ जी, बूटस्ट्रैप की JS की फाइल का है। बूटस्ट्रैप में डिस्क का फोल्डर होगा, मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। नोड मॉड्यूल्स में जाएं, यहाँ पर बूटस्ट्रैप का फोल्डर जो हमने लाइब्रेरी इंस्टॉल की, ये पहले नहीं होती। जब आप लोग प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे तो देखिएगा कि ये बूटस्ट्रैप नहीं होगी पहले से। बूटस्ट्रैप में जाएं, यहाँ पर देखें SCSS का फोल्डर हमने वहाँ पर यूज़ किया है। अब डिस्क के अंदर आपके पास CSS और JS के अंदर काफ़ी सारी फाइल्स हैं,
तो हमने जिसको लिंक किया वो ये bootstrap.js है, ठीक हो गया जी। नहीं css को नहीं ना अब हमने करना, ये स्टार्टिंग में डॉट है मॉड्यूल, कुड नॉट फाइंड अ डिक्लेरेशन फाइल फॉर मॉड्यूल, तो ये इसने एरर देना है बिकॉज ये bootstrap की ही किसी चीज़ का इशू है। या फिर इसको एक और तरीके से इंपोर्ट किया जाता है, इसमें इंपोर्ट, चलो वो बाद में देखेंगे, फिलहाल इसको ऐसे ही रहने दें। लेकिन ये वार्निंग देगा आपको यहाँ पे ना, अभी तो इसने वैसे एक एरर दे देना है, ये वाला मॉड्यूल नॉट फाउंड एरर कांट रिजॉल्व एट पॉपर जे एस फॉरवर्ड स्लैश कोर। अब ये पॉपर जे एस फॉरवर्ड स्लैश कोर जो है ये bootstrap में यूज़ होती है। जब हम bootstrap में अगर देखें और डॉक्स में, यहाँ पर जे एस की फाइल, तो ये देखें इसमें bootstrap.min.js और एक साथ में popper.min.js, तो ये popper की भी इंक्वायरी है। अगर हम यहाँ पर शायद bootstrap.bundle करें तो फिर एरर, जी फिर एरर नहीं आएगा। अगर आप bootstrap की बंडल फाइल को इंपोर्ट करें तो फिर एरर नहीं आएगा। अगर आप सिंपल bootstrap करते हैं तो फिर उसके लिए आपको popper.js अलग से डाउनलोड करना पड़ेगा, तो आप इसको ही कर लें सिंपल, तो ये आपकी ऐप चल रही है। इतना ठीक है? यस सर। हमने अभी तक जी हमने अभी तक सिर्फ सिर्फ bootstrap को डाउनलोड किया और सैस को डाउनलोड किया और bootstrap को अपने प्रोजेक्ट के साथ लिंक कर दिया है, ताकि अब हम स्टाइलिंग कर सकें इजीली। अब हमने सिंपल कोड को उठाना और पेस्ट करना है इसमें। जी ऐप डॉट सी एस सी एस एस ना, ये आपकी मेन फाइल है। इस मेन फाइल के अंदर ये जो आपकी ऐप डॉट एस सी एस एस है, इसमें सारी लाइब्रेरीज लिंक होंगी। अब मैं आपको बताता हूँ हो क्या रहा है। सोर्स, इस सोर्स में आपको नज़र जो आ रहा है ना, वो ये इंडेक्स डॉट एच टी एम एल ही नज़र आ रही है। इंडेक्स डॉट एच टी एम एल के अंदर जितना भी कोड है वो सारा यहाँ पर आ रहा है, ऐसे ही है डिव आई डी रूट के अंदर। ये आई डी रूट को गेट किया जा रहा है इंडेक्स डॉट जे एस में, डॉक्यूमेंट में से एलिमेंट को गेट करो बाई आई डी रूट, ये रूट वहाँ भी हमने भी देखा है। और इस रूट के अंदर आप यूज़ किसको कर रहे हैं? ऐप को। ऐप क्या है? ये ऐप डॉट जे एस है, ठीक हो गया जी। इस ऐप डॉट जे एस में हमने जे एस का लिंक इम्पोर्ट कर दिया और एस सी एस एस। इस ऐप डॉट एस सी एस एस में हम क्या कर रहे हैं? bootstrap को लिंक कर रहे हैं। इस bootstrap की फाइल में क्या है? हम उस bootstrap लाइब्रेरी को इंपोर्ट करें जो हमने डाउनलोड किया था। तो ये वाली bootstrap की फाइल, सी एस एस की फाइल, यहाँ से जा रही है ऐप डॉट एस सी एस एस में, ऐप डॉट एस सी एस एस से जा रही है ऐप डॉट जे एस में, इस ऐप डॉट जे एस से जा रही है इंडेक्स डॉट जे एस में, और इंडेक्स डॉट जे एस का सारा कोड आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। ये तरीका कार है। जो bootstrap.scss है इसके अंदर से js की फाइल निकल रही है? नहीं, हमने app.js में निकल रही है। वो अलग से है, bootstrap में disturb है। यहाँ पे देखें ना, हम क्या कर रहे हैं? अरे bootstrap का एक ही लिंक है जी। bootstrap में अब देखें dist फोल्डर, js का फोल्डर और scss का फोल्डर। अगर आपने scss को इंपोर्ट करना है तो आप सिंपल एस सी एस एस में जाएंगे। अगर आपने जे एस को करना है तो फिर आप डिस्ट में जाएंगे। उस डिस्ट के अंदर सी एस एस और जे एस है। अगर आप सी एस एस से करते, यहाँ पर भी आप सी एस एस इंपोर्ट करते, या फिर bootstrap में जाके जो आप सी एस एस इंपोर्ट कर रहे हैं, तो आप इसको इस तरह भी कर सकते थे। एट इम्पोर्ट करो नोड मॉड्यूल्स bootstrap डिस्ट सी एस एस bootstrap.min.css होगा यहाँ पे, ये देखें, तो ये भी काम करता अगर आपको css की फाइल चाहिए। अब हमने सैस, हमने सैस फाइल को इंपोर्ट करना है। अब मैं सैस हमने यूज़ क्यों करना है इसका मैं आपको दिखाता हूँ। डिफ़ॉल्ट जो इसका कलर होता है, कलर ये कुछ कलर्स हैं इसका, ये प्राइमरी कलर है, ठीक हो गया। इस प्राइमरी कलर को अगर हम चेंज करना चाहें अपनी पूरी bootstrap की वेबसाइट में, तो आप सिर्फ और सिर्फ एक लाइन का कोड लिखेंगे अब यहाँ पर जाके, तो ये पूरी की पूरी वेबसाइट में उसको चेंज कर देगा। ये scss की मदद से है।
अगर सिंपल CSS करते तो वो पॉसिबल नहीं है। हमने याद है आपने दरअसल SCSS किया नहीं है। SCSS में हम क्या करते थे, एक ही वेरिएबल लेते थे, उस वेरिएबल का कलर चेंज कर दें तो पूरी वेबसाइट में कलर चेंज होता है। तो ये वही चीज़ बनेगी जी, नेस्टिंग हो जाती है, बहुत ईजी होता है। हम इसमें डिफरेंट वेरिएबल्स क्रिएट कर सकते हैं, मिक्सिंग्स क्रिएट कर सकते हैं, एक्सटेंड्स क्रिएट कर सकते हैं, सारी चीज़ें, कोड हमारा बहुत कम हो जाता है। तो इस वजह से हम ऐसे, अभी ये दरअसल आप लोगों का फर्स्ट लेक्चर है ना इसका, हम इसमें जब मज़ीद आगे जाएंगे तो आप लोग इसको देखिएगा कि हम सिंपल एक लाइन का कोड लिखेंगे और आपकी पूरी वेबसाइट में कलर चेंज, थीम टोटल चेंज हो जाएगा जी। इतना क्लियर है? अब यहाँ पर पब्लिक में, पब्लिक को ख़त्म कर दें, SCSS भी हमारा जितना भी कोड होगा वो सारा का सारा सोर्स फोल्डर के अंदर होगा। सोर्स फोल्डर के बाहर आपने कुछ भी नहीं लिखना है, ना ही सोर्स फोल्डर के बाहर से ये कोई चीज़ इंपोर्ट करने देता है, आप यूज़ नहीं कर सकते होंगे। तो हमेशा कोई भी फाइल, इवन के इमेजेस यूज़ कर रही हैं, वीडियोस कर रही हैं, कोड लिख रही हैं, वो सारा का सारा सोर्स फोल्डर के अंदर आएगा। सोर्स फोल्डर के अंदर अब हमने यहाँ पर कुछ फोल्डर्स बनाने हैं। हमने एक SCSS का फोल्डर बनाया, SCSS में आपकी सारी स्टाइलिंग का कोड आ जाएगा। इसके अंदर अब आप लोग बनाएंगे कंपोनेंट्स, सोर्स के अंदर, सोर्स के अंदर हमने बना लिया कंपोनेंट्स, और सोर्स के अंदर ही अब आप लोग बनाएंगे पेजेस। ठीक हो गया जी? पेजेस का मतलब होम पेज, अबाउट का पेज, कॉन्टैक्ट का पेज, ये सारी चीज़ें। तो अभी पेजेस पे नहीं आते, अभी हम कंपोनेंट्स में आते हैं। कंपोनेंट्स में आपका हेडर एक कंपोनेंट होगा, फुटर एक कंपोनेंट होगा जी। नैव बार हेडर के अंदर आ जाता है, तो हम यहाँ पर उसको हेडर के अंदर ही लेंगे। तो उसके लिए अब आप लोग यहाँ पर लिखें हेडर, इस तरह बना सकते हैं, या फिर हेडर फोल्डर। अब जो कंपोनेंट का जो फोल्डर बनेगा डायरेक्ट, उसका आप नेम कैपिटल रखेंगे, हेडर रख दिया। अच्छा, हमारे किसी भी प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर मेन फाइल कौन सी होती है? index.html। अगर जावास्क्रिप्ट की बनाई तो index.js होती है। तो हेडर के अंदर आप एक फाइल बनाएंगे मेन index.js हमने बना लिया। उसी तरह कंपोनेंट्स के अंदर आप एक और फोल्डर बना लें फुटर का, और फुटर के अंदर भी आप फाइल एक बना लें index.js। ठीक हो गया जी? अब यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको एक्सटेंशन बता दूँ, ES7 प्लस रिएक्ट रिडक्स रिएक्ट नेटिव स्निपेट्स। ठीक हो गया जी? ये एक लाइब्रेरी है, आप लोगों ने इसको इंस्टॉल करना है। इससे क्या होगा, सिंपल एक आप लफ्ज़ लिखेंगे, जिस तरह हम HTML की फाइल में एक्सप्लेनेशन मार्क लिखते थे, आपका पूरा स्ट्रक्चर बन जाता था, उसी तरह अब इसमें क्या होगा, हम सिर्फ और सिर्फ RFC लिखेंगे, आपके पास ये पूरा कोड आ जाएगा। ठीक हो गया? अदरवाइज ये सारी चीज़ आपको खुद से करनी पड़ती। इम्पोर्ट करो रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, एक फंक्शन बनाएंगे, फंक्शन का हम नेंगे इंडेक्स, फंक्शन बन गया। उस फंक्शन के अंदर हम रिटर्न करेंगे, और रिटर्न क्या करेंगे, HTML आपने जो भी लिखना है। तो यहाँ पर मैं इसको कह देता हूँ हेडर, दिस इज आवर हेडर। ठीक हो गया जी? हमने देखें इंपोर्ट कर लिया और फंक्शन इंडेक्स बना दिया। अब इस फाइल को हमने कहीं पे भी इंपोर्ट करना है, तो इंपोर्ट के लिए क्या ज़रूरी होता है, एक्सपोर्ट करना। तो सबसे पहले अब हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट और इंडेक्स। ठीक हो गया जी? एक्सपोर्ट डिफॉल्ट इंडेक्स सेव किया, app.js में आ जाएं, और अब आप इस चीज़ को ख़त्म कर दें। अब हमें चाहिए यहाँ पे सबसे पहले टॉप में क्या आता है, हेडर आता है। तो यहाँ पर अब आप लोग हेडर लिखेंगे, हेडर लिखें, और इसको हमने क्लोज कर दिया। हेडर हमने यहाँ पे यूज़ तो कर लिया, लेकिन ये हेडर आ कहाँ से रहा है, हमने अभी तक इसको ये नहीं बताया। तो ये अगर आपने बताना है तो यहाँ पर जाके कंपोनेंट्स इंपोर्ट करो हेडर फ्रॉम, कहाँ से करो, कंपोनेंट्स में हेडर है। अब हेडर के अंदर हमने किसी फाइल को नहीं करना है लिंक,
क्योंकि अगर आप हेडर डायरेक्ट लिखते हैं इसका मतलब है कि इसके अंदर से वो इंडेक्स डॉट जे एस की फाइल को ही उठाएगा, और उस इंडेक्स डॉट जे एस की फाइल में हमने ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आएँ और अपनी वेबसाइट पर तो ये देखें सर, अगर उसमें कोई और फाइल है। जी मैं आप नहीं, इस फोल्डर के अंदर हम मजीद और फाइल बनाएंगे लेकिन इस हेडर के अंदर ही, लेकिन इसने गेट इसको ही करना है इंडेक्स डॉट जे एस को। तो अब अगर हम कोई मजीद फाइल्स बनाते हैं, जिस तरह टॉप बार हो गया और नैब बार हो गया, उस टॉप बार और नैब बार को हम इस इंडेक्स फाइल में इंपोर्ट करेंगे और फिर इंडेक्स को हम वहाँ पर इंपोर्ट कर रहे होंगे। हेडर हो गया, उसी तरह हम अब आ जाते हैं फुटर में। तो फुटर के लिए आप लोग इस तरह कर दें, पहले हमने खुद से जब किया था एक्सपोर्ट डिफॉल्ट इंडेक्स इस तरह कर रहे थे, तो यहाँ पर जब हम आर एफ सी की मदद से करते हैं ये डायरेक्टली यहाँ पर इसको एक्सपोर्ट कर देता है। ठीक हो गया, तो अब आपको यहाँ पर इस तरह नीचे लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये डायरेक्ट वहाँ पर ही इसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो दिस इज़ आवर फुटर, एफ डॉट जी एस में आए, हेडर के बाद फुटर आएगा आपका फुटर, और यहाँ पर जी नहीं मैं आपको एक और चीज़ दिखा रहा हूँ, नहीं वो नहीं चीज़ है, कंपोनेंट्स में फुटर। अच्छा यहाँ पर रिटर्न आपने जब भी करना है इसमें एक ही टॉप लेवल एलिमेंट बनेगा, एक ही टॉप लेवल एलिमेंट मींस के एक ही पेरेंट है, उसके मजीद जितने मर्जी चाइल्ड बना लें, रिटर्न सिर्फ सिर्फ एक एलिमेंट होगा मेन। तो यहाँ पर हम रिटर्न कितने कर रहे हैं, दो कर रहे हैं। अगर अब आपने इसको एक में लेकर आना है तो एक तरीका है कि आप इसको डिव बना लें और उसके अंदर रख दें तो ये काम कर जाएगा, लेकिन अब हमें सिर्फ सिर्फ इसका टॉप लेवल एलिमेंट ही बनाना है। तो आप डिव क्यों यूज़ कर रही हैं, डिव तो डिवीजन के लिए होता है, हम डिवीजन तो कोई नहीं कर रहे हैं, तो डिवीजन या डिव एलिमेंट ना लिखें, सिंपल इस तरह लिख दें मीन्स के कोई एलिमेंट नहीं, इसे कहा जाता है फ्रेगमेंट। ठीक हो गया जी, तो ये आपने एक फ्रेगमेंट क्रिएट किया और उसके अंदर आप लोगों ने हेडर और फुटर को यूज़ कर लिया। सेव करें तो अब देखें यहाँ पर दिस इज़ आवर हेडर और दिस इज़ आवर फुटर। अब यहाँ पर हेडर में हमारे पास एक टॉप बार है और एक नैव बार है, तो हम क्या करते हैं इस हेडर के अंदर एक फाइल बनाते हैं टॉप बार डॉट जी एस, आर एफ सी फंक्शन का नेम, ये फंक्शन का नेम ऑटोमेटिक वो रख देता है जो फाइल का नेम हो। ठीक हो गया, तो इस वजह से आप फाइल का नेम ही वो रखें जो आपने फंक्शन का नेम रखना है, या फिर फाइल नेम कुछ भी रखना है, आप फंक्शन का नेम भी चेंज कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है, लेकिन बेहतर है कि वही रखें। ओके जी, टॉप बार और यहाँ पर हमारे पास एक आएगा नैब बार डॉट जे एस आर एफ सी और आपका नैब बार आ गया। अब ये दोनों जो हैं टॉप बार और नैब बार, ये दोनों पार्ट हैं हेडर के, ऐसे ही है। तो अब आपने यहाँ पर टॉप बार दिखाना है और नैव बार दिखाना है, तो अब आपने क्या करना है इंडेक्स डॉट जे एस की जो फाइल है यहाँ पर ही आपने उस टॉप बार और नैव बार को इंपोर्ट करवा देना है। इसको ख़त्म कर दें, यहाँ से अगर हम ये कोड ख़त्म कर दें तो यहाँ पर आपको कुछ भी नज़र नहीं आएगा। ठीक होगा जी, एंटर किया जी, इसको ख़त्म कर दें, हमें फ्रैगमेंट चाहिए क्योंकि हमने दो कंपोनेंट को इंपोर्ट करना है। अगर आप एक ही करते तो सिंपल आप यहाँ पर ही, बल्कि अब आप इसको भी ख़त्म कर सकते थे क्योंकि वो हम पैरेंथेसिस इस वजह से लगाते हैं क्योंकि आप एक लाइन से ज़्यादा भी मूव कर जाते हैं। तो यहाँ पर मुझे चाहिए टॉप बार, टॉप बार सबसे पहले आता है तो आप टॉप बार इस तरह लिखते हैं, सेव करें तो ये देखें टॉप बार आ गया। अब मुझे चाहिए नैव बार भी, तो ये मुझे दे रहा है एरर, तो अब आप इसको फ्रैगमेंट के अंदर ले करें तो अब ये काम करेगा, टॉप बार और नैव बार आ गए। अब अगर आपने इसको नेक्स्ट लाइन में लेकर आना है तो ये भी काम कर रहा है, ठीक है, तो पैरेंथेसिस ना भी लगाएं तो ये काम कर जाता है। अच्छा, रिटर्न
अगर तो आप इसको यहाँ पर ही लिख रहे हैं डायरेक्टली तो फिर काम करेगा, अगर आप इसको नेक्स्ट लाइन में लिख रहेंगे तो फिर ये एरर देगा आपको। तो अब अगर आपने इस तरह लिखना है तो आप यहाँ पर पैरेंथेसिस और ये पैरेंथेसिस आप यहाँ पर इस तरह लिख रहेंगे, अब ये काम करेगा। तो वो पैरेंथेसिस इस वजह से है, अगर आप अब इसको ख़त्म करें तो अब इसने नहीं चलना। ऑल राइट जी, हमारा हेडर हो गया, उसी तरह फुटर। फुटर में इस टाइम हमारे पास एक ही चीज़ है, अक्सर फुटर भी जो है ना दो या तीन होते हैं, एक लास्ट में सिंपल जिसमें कॉपीराइट वगैरह का रहता है, उससे ऊपर एक लिंक्स वगैरह का आ जाता है, या फिर एक और इसका कोई पार्ट वगैरह बन जाता है, तो दो से तीन फाइल्स भी हो जाती हैं। तो उसी तरह फुटर में भी आप दो या तीन फाइल बनाएंगे और उन सारी फाइल्स को आप index.js में इंपोर्ट करेंगे। जो आपको टॉप पे चाहिए होगा कंपोनेंट वो टॉप पे रखेंगे, जो बॉटम पे चाहिए होगा वो बॉटम पे आप ले करेंगे, और इसको इस तरह ही एक्सपोर्ट करके वहाँ पर इंपोर्ट कर देंगे। तो टॉप बार, तो अब हम आ जाते हैं टॉप बार पे। सबसे पहले डिव के अंदर सबसे पहले कंटेनर, कंटेनर के अंदर क्या आते हैं रो, रो के अंदर कॉलम, और कॉलम के अंदर हम लेते हैं एक पी एलिमेंट और इसको क्लास दे देते हैं MB0, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट इसको मार्जिन बॉटम मिली होती है। और इसको अब हम करते हैं दिस इज आवर टॉप बार, सेव करें तो ये आ गया दिस इज़ आवर टॉप बार, और इसको टेक्स्ट सेंटर करें, सेंटर में आ जाएगा। यहाँ पर जाके आप इसको हेडर कहें, हमारा हेडर है ये, और क्लास नेम BG प्राइमरी PY2। PY2 क्या करता है, वाई एक्सिस में मीन्स के वर्टिकली आपको वो देगा। तो ये देखें, इसको PY1 कर दें और यहाँ पे जाके टेक्स्ट वाइट कर दें, तो आपकी ये चीज़ बन गई। और टॉप बार BG प्राइमरी अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप इसको सक्सेस कर दें तो ये ग्रीन बन जाएगा। तो अब हम बूटस्ट्रैप में आ चुके हैं, ठीक हो गया जी। उसके बाद नैव बार, नैव बार के लिए आप सिंपल यहाँ पर जाएं अपने नैव बार पे, यहाँ से जाके कोड इसका कॉपी करें और नैव बार में जाके इसको आप पेस्ट कर दें। जी कर दिया, अब ये दे रहा है हमें एरर। किसी भी एलिमेंट को, हमने एलिमेंट्स पढ़े थे HTML में, एम्प्टी एलिमेंट्स भी होते हैं जिसके दरमियान कोई कंटेंट नहीं होता है, मींस के HR एलिमेंट, BR एलिमेंट, इनपुट एलिमेंट, इमेज एलिमेंट, ये सारे के सारे सेल्फ क्लोजिंग एलिमेंट्स हैं और एम्प्टी एलिमेंट्स कहलाते हैं। सिंपल HTML में हम क्या करते थे, हम यहाँ कहीं HR नहीं आ रहा, ये HR, तो ये देखें HR हमने यूज़ तो किया लेकिन इसको क्लोज नहीं किया है, तो ये आपको एरर दे रहा है, ठीक हो गया। तो क्लोज करने के लिए आप सिंपल इस तरह क्लोज कर देते थे। उसी तरह इनपुट एलिमेंट हमने कभी उसमें क्लोज नहीं किया, सिंपल इस तरह ही कर देते थे। तो अब आप इसको रिएक्ट में क्लोज भी करेंगे, क्लोज करेंगे तो काम करेगा वरना नहीं तो एरर आएगा। सेव करें और ऐप में आए तो ये देखें आपका नैव बार आ गया। अब ये कंटेनर फ्लूड यूज़ हो रहा है, तो आप इसको कंटेनर नैव बार एक्सपेंड LG BG डार्क नैव बार डार्क कर दें, तो आपका ये आ गया। उसी में अब अगर आप इसको लाइट कर दें तो इसमें क्या होगा, ये देखें बताया रहता है कि नैव बार है वो डार्क कलर का है, तो डार्क कलर से मुराद है कि उसके लिंक्स वगैरह जितने हैं उसको लाइट कर दो। अब हमने बताया कि नैव बार जो है वो लाइट है, लाइट से क्या मुराद है कि उसके सारे कलर्स हैं उसको डार्क में कन्वर्ट कर दो। तो अब अगर हम BG लाइट यूज़ करें तो वह तब आपको नज़र आएगा।
जी दोनों लाइटों में बीजी भी लाइट है जी, इस तरह ही लिखना पड़ता है बीजी लाइट है। हम इसको बताते हैं कि नैव बार जो है वो हमारा लाइट कलर का है। नैव बार लाइट कलर से मुराद है कि उसके लिंक्स जो होंगे गुजारी से बाद फिर डार्क होंगे। अगर नैव बार डार्क है तो उसके लिंक्स जो होंगे वो लाइट होंगे, तो वो ऑटोमेटिक उसने क्लास इस तरह की बनाई है कि वो खुद ही हैंडल करते हैं। तो ये चीज़ हमारी होगी। अब यहाँ पर जैसा कि मैंने कहा था कि हम ए टैग एंकर टैग यूज़ नहीं करते हैं। आप अपनी रिएक्ट की एप्लीकेशन में एक पेज से दूसरे पेज पर जब जाते हैं तो आप एंकर टैग यूज़ नहीं करते हैं, उसके लिए हम लिंक एलिमेंट एक वो इंस्टॉल करते हैं और उसको यूज़ करते हैं। तो लिंक पे हम अभी नहीं जाएंगे क्योंकि अभी किसी और पेज पर नेविगेट नहीं हो रहे हैं। बस यहाँ पर ये देखें, ये आपको एरर वार्निंग दे रहा है। वार्निंग आपको क्या दे रहा है जी? ये एंकर की वजह से नहीं, ये आपको दे रहा है कि आपने एंकर टैग में href एट्रीब्यूट जो है वो सिंपल हैश टैग लिखा हुआ है, आपने उसमें कोई प्रॉपर पाथ नहीं दिया है। और यहाँ पर डॉम प्रॉपर्टी जो है वो क्लास नेम। तो यहाँ पर अब हम आके जितने भी क्लास यूज़ हो रहे हैं, ठीक हो गया जी, ये देखें क्लास हर जगह आप फाइंड करें किसी भी टेक्स्ट को, अगर आपने फाइंड करना है तो क्लास और कंट्रोल एफ प्रेस कर दें, उसको सेलेक्ट किया और कंट्रोल एफ प्रेस करने से फाइंड का आ जाता है। अगर सिंपल वैसे लिखते हैं कंट्रोल एफ, इसको एक बार ख़त्म किए, अब कंट्रोल एफ प्रेस करेंगे तो वो सिंपल आएगा। अगर किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे मींस के कंटेनर को करते हैं फाइंड करें तो वो कंटेनर को कट करता है। तो हमें क्लास चाहिए, क्लास, अच्छा क्लास आपने वर्ड शायद कहीं और भी लिखा हो, मींस के आप स्ट्रिंग में आपने कोई वर्ड क्लास लिखा हो तो आपने उसको तो रिप्लेस नहीं करना है, लेकिन आपने क्लास इक्वल साइन तो नहीं उसमें लगाया होगा या कोटेशन मार्क भी नहीं लगाई होगी। तो अब फिर आप क्या करें, क्लास इक्वल टू और साथ में बेशक कोटेशन मार्क भी इस तरह लगा दें, तो ये उसको ही अब गेट करेगा जो हमने एक्चुअल में एट्रीब्यूट ही दिया होगा। या फिर आप इसको भी ख़त्म कर दें तो तब भी ठीक है, रिप्लेस कर दें, किससे रिप्लेस करें, क्लास नेम और इक्वल साइन से। जी इसको कैसे किया, रिप्लेस के लिए कंट्रोल एच नहीं, इस पर क्लिक किया था हमने, इसको करेंगे तो वो नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर रिप्लेस एक बार करेंगे तो एक होगा, रिप्लेस ऑल करेंगे तो ऑल को कर देगा। तो यहाँ पे देखें क्लास नेम आ गया हर जगह, सेव करें तो आपका ये जो एरर था ये तो ख़त्म हो जाएगा। इस पर अब करें तो ये हमारा काम कर रहा है। तो ये जावास्क्रिप्ट की मदद से काम कर रहा है। अगर हम js नहीं लगाते, app.js में जाएं और js को हम लिंक नहीं करते, तो अब अगर आप इस पर क्लिक करें तो ये काम नहीं करेगा। ठीक हो गया जी, तो आपको उसके लिए js चाहिए और इसको एक बार रिफ्रेश कर लें तो अब ये काम करेगा। जी क्लियर है इतना? yes, sir. फुटर एक बना लेते हैं बस, और फुटर के लिए ये टॉप बार के हमने कोड कॉपी करना है, और क्या करना है, हमने कॉपी करें और फुटर में ये यहाँ पर जाके इसको, अब हेडर की जगह आप इसको फुटर कह दें और बीजी सक्सेस की जगह आप इसको डार्क कह दें, बस सेव करें तो आपका वो दिस इज आवर फुटर, तो आपका फुटर बन गया। ठीक है जी, कोई सवाल हो किसी का तो पूछ लें, एनीवन ओके तो नहीं लग रही सर, ये रिएक्ट जो है ये देर बाद यानी कि ओपन होती है, तो जो एसईओ वाले हैं वो कहते हैं कि जल्दी ये ओपन होनी चाहिए वेबसाइट, तो फिर हम कैसे इनको आपस में कहेंगे कि ये हमारी है, कि एसईओ के हिसाब से बिल्कुल करेक्ट है? मुझे तो ये इशू तो नहीं होता भाई, इसको टाइम लगता है ना ओपन होने में। नहीं, सर्वर का भी होता है, आपका डाटा किस सर्वर से आ रहा है, मेन चीज़ तो ये ना, अगर सर्वर आपने होस्टिंग जो है किसी अच्छी जगह पे ली हुई है
तो फिर तो आप जाहिर सी बात है जल्दी आएगा, क्योंकि सर्वर वालों को जिस कंपनी का परचेज करें उसको ज़्यादा पे करना पड़ेगा। जी कोई सवाल है किसी का रिलेटेड? जी ज़्यादा जी जी, वो कंपोनेंट बेस्ड होती है। तो रिएक्ट बूटस्ट्रैप भी एक रिएक्ट, ये बूटस्ट्रैप वालों की ही है, रिएक्ट बूटस्ट्रैप। तो ये उस तरह ही इंस्टॉल की जाती है लाइब्रेरी, जिस तरह हमने बूटस्ट्रैप किया, ये रिएक्ट बूटस्ट्रैप। इसके कंपोनेंट्स में जाएं तो यहाँ पे जाके ये इसका अलर्ट्स, ये अलर्ट्स में ही है, और इसके नैव बार में आए इसमें ये देखें। अब ये जो सारी चीज़ें हैं ना आपको इसमें, ये इसका ये कोड बनेगा, इसमें सारे कंपोनेंट बेस्ड हैं। इसमें नैव बार का एन कैपिटल है, बी जी इक्वल टू लाइट और एक्सपेंड इक्वल टू एल जी, फिर कंटेनर नैव बार डॉट ब्रांड। तो ये बेसिकली ये आपको फिर दोबारा सीखना पड़ेगा, तो इससे बेहतर है। और ये जो चीज़ है ना, ये है भी पुरानी, इस टाइम ये 5.1 पे चल रही है। तो बूटस्ट्रैप ओरिजिनल जो है इस टाइम कह लें वो 5.2 पे आ चुकी है, तो इसको थोड़ा टाइम भी लगता है अपडेट होने में। तो बेहतर यही है कि जो सिंपल है उसको यूज़ करते रहें, मुश्किल तो नहीं है कुछ भी। बस ये कंपोनेंट बेस्ड है, वो सिंपल है, सिंपल आप लोगों ने शुरू से काम किया हुआ है कंपोनेंट बेस्ड पे, तो हम आप आए ना रिएक्ट पे। बाकी सारी चीज़ें वही हैं, हैं वही, बस ये कंपोनेंट बेस्ड है और दूसरी सिंपल है। सर अगर हमें किसी की वेबसाइट का कोई इनके एलिमेंट्स क्योंकि हमें अच्छा लगा है, किसने ये अच्छे बनाए हैं सेक्शन, जी जी, हम उसको कॉपी करना चाहेंगे, तो कैसे हम पॉसिबल है? इंस्पेक्ट पे जाएं, आपको ये अच्छा लगा है, आपने इसको इंस्पेक्ट किया, आपको ये एलिमेंट मिल गया। फुटर, फुटर एलिमेंट में देखें एक क्लास यूजर, ये बी जी डार्क और पी बाई डैश वन। तो बी जी डार्क में देख लें कौन कौन सी स्टाइलिंग है, और पी वाई वन में देख लें कौन कौन सी स्टाइलिंग है। इसको सी एस एस में जाके करते रहें। कंटेनर, कंटेनर में देख लें क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, फिर रो में, रो में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, और उसके बाद कॉलम है तो कॉलम में क्या हो रहा है, ऐसे ही है, इस वजह से खुद बनाया जाता है। आज मैंने कोशिश की कॉपी करने की, अभी आधा काम हो गया, आधा रखता है। वो न्यूज़पेपर की चीज़ के एलिमेंट।